Hello everybody, welcome back to the channel. This is me Satyam Jain and you are listening to me at Understand UPSC. So it's been a while when you were promised a ethics masterclass, a ethics strategy session to be precise, and because of the delays in the result and the hue and cry post that and making of the SFG 2023, it led to a bit of a delay in that, but today the delay ends because today we are back with the GS4 ultimate strategy session. So ye pura ek series rahega. इसमें जैसे अभी आपको GS4 का अल्टीमेट स्ट्रैटेजी सेशन मिल रहा है, ऐसे फिर GS1, GS2, GS3 है ना, और आगे मतलब जो भी आपको इश्यूज हैं, सपोज जैसे कुछ लोगों को लग रहा है कि करंट अफेयर्स में किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, अभी गोइंग डाउन द लेन फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस, हाउ टू इंटीग्रेट देम, हाउ टू डू CSAT, तो वो सब, तो दिस विल बी लाइक अ कम्प्लीट प्लेलिस्ट एंड इट विल बी अ सिंगल सोर्स, अ सिंगल इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर ऑल योर नीड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज. तो आपको हर जगह जाके स्ट्रैटेजीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके बाद आप जानते हैं कि इफ वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस देन इट विल बी द मोस्ट ट्रस्टवर्दी एंड इट विल बी द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर सेशन अबाउट GS4 अल्टीमेट स्ट्रैटेजी, आई वुड लाइक टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स कि आप हमें क्यों सुनो इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में. देखिए, दो तीन चीज़ हैं कि एथिक्स में एक बहुत बड़ा इशू जो अभी लाइक फेस कर रहे हैं सब, वो ये है कि दो तरीके के लोग हैं जो एथिक्स में जनरली गाइड कर रहे हैं. एक है फैकल्टीज ऑफ वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड इंडिपेंडेंट फैकल्टीज ऑल्सो, और दूसरे हैं जो पुराने टॉपर्स या पुराने रैंकर्स हैं, पुराने एज इन बहुत पुराने, एज इन 2013 में भी 14-15 जब से ये पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है. तो इन दोनों में ना थोड़ी सी इशूज़ हैं. फैकल्टी को ये तो पता है कि एथिक्स पढ़ाना कैसे है या फिर एथिक्स में कंटेंट क्या होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि स्कोर कैसे आता है. बिकॉज आपने एथिक्स के बारे में सबसे ज़्यादा ये सुना होगा, आई स्टिल रिमेंबर एक पुलकित भैया थे, उनका रैंक आया था 51 शायद कुछ रैंक था उनका, तो उन्होंने ना अपने ओपनली ये चीज़ बोली थी कि मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत एथिक्स पे करी थी और मेरे सबसे कम मार्क्स एथिक्स में आए हैं, है ना. तो मतलब कोई इंसान आके ऐसे क्यों ही बोलेगा, या तो वो जस्टिफाई करेगा अपने गलत मतलब बिलो मार्क्स को कि भाई हाँ ठीक है मैंने मेहनत इतनी नहीं करी थी, बट अगर वो बोल रहा है कि भाई मेहनत करी थी फिर भी मार्क्स नहीं आए, तो उसका मतलब सच बोल रहा है. तो इसमें ना ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जो फैकल्टी मार्केट में पढ़ा रही है ना, उसको ये तो पता है कि चलो हाँ सिलेबस क्या है, इसमें क्या पढ़ा सकते हैं अंदर टॉपिक्स में, लेकिन उसको स्कोर में कैसे कन्वर्ट करना है, राइट. तो वो एक बहुत मेजर इशू है जो फेस कर रहे हैं. क्यों? अब इसका भी रीज़न है, भाई जो फैकल्टी हैं इन्होंने कभी पेपर दिया नहीं है एथिक्स का, इनके जब अटेम्प्ट खत्म हो गए थे उसके बाद एथिक्स का पेपर शुरू हुआ था, तो बेसिक आइडिया भी नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. फिर ये जो टॉपर्स हैं, जो बहुत पुराने टॉपर्स हैं, इनके अब बात यह कि इनके लिए कुछ चीज़ें काम करी हैं, लेकिन UPSC एज अ बॉडी इज़ कॉन्टीन्यूसली इवॉल्विंग, एंड जैसे UPSC की जो कोर कमेटी होती है, जो कोर बॉडी होती है, वो चेंज होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इवेल्युएटर्स चेंज होते हैं, द नेचर ऑफ एग्जामिनेशन चेंजेस, आप देख ही रहे हैं आपके सामने है, कुछ छिपा हुआ तो है नहीं. तो इस तरीके से वेरियस लॉट ऑफ थिंग्स चेंज. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको जस्ट ऐसे समझाने के लिए बताऊं, तो मान लीजिए आज से 10 साल पहले या 8 साल पहले क्वेश्चन आया होता, व्हाट डज हैप्पीनेस मीन, ऐसे करके सपोज करिए क्वेश्चन आया होता, तो मतलब लाइव आके एक ऑल इंडिया रैंक 3 थे, मुझे आज भी याद है, ऑल इंडिया रैंक 2, उन्होंने ऐसे बोला था कि इसमें ना हमें इस तरीके से अगर लिख देंगे कि हैप्पीनेस फॉर मी मीन्स मैं सुबह उठता हूँ, मम पापा के पैर छूता हूँ, ऐसे 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 गरीबों को खाना खिलाता हूँ, तो ठीक है हाँ ये हैप्पीनेस का आंसर हो जाएगा, एंड आप सिंपल लिख रहे हैं आपको मार्क्स मिल रहे हैं. बट लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज़ अब काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये सबको आ गया है कि भाई हाँ काइंडनेस आ जाएगी तो अरे 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 एनिमल का एंगल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बट दिस इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर. सो आप भी आज के टाइम पे हैप्पीनेस का अगर आंसर आता है तो यू हैव टू बी प्रिसाइज, यू हैव टू टेल कि भाई देखो एक चीज़ होती है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो लाइफ में, ठीक है, वो प्रोग्रेस जब आपके किसी एम को पूरा करता है तो वो सक्सेस है, लेकिन वो सक्सेस जो है जब तक वो मोरालिटी, एथिक्स, स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमैनिटी, इन चार डायमेंशंस पे खरी नहीं उतर रही है, तब तक वो हैप्पीनेस नहीं बनती है. और अगर वो सक्सेस इन चार डायमेंशंस को अपने साथ लेके चल रही है तो वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट होती है. दिस इज़ द काइंड ऑफ डिफरेंस दैट हैज़ अकर्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम. और ये मैं बहुत ही बेसिक समझा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक समझा रहा हूँ. तो ये ना एक मेजर इशू है. ओके, तो सबसे पहली चीज़ आपको यही समझनी पड़ेगी कि वॉट एथिक्स इज़ नॉट. एथिक्स इज़ नॉट अबाउट बींग एन एथिकल पर्सन. ये एक सैड है ट्रूथ, बट फैक्ट है. इट इज़ अ सैड ट्रूथ. एथिक्स इज़ नॉट अबाउट बींग एन एथिकल पर्सन. यू कैन बी अ वेरी 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 एथिकल पर्सन इन लाइफ, अ वेरी गुड ब्यूरोक्रेट इन मेकिंग, एंड यू कैन स्कोर बिल्कुल ही खराब इन एथिक्स. बिकॉज ऑब्वियसली यार एक प्रोसेस है, आपको एक तरीके से आंसर करना होता है, वो तरीके से आपने आंसर किया तो आपको मार्क्स आ जाते हैं. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू आर.
ओके सो सबसे पहली चीज़ ये दिमाग से निकाल दो कि बींग एथिकल हैज एनी टू डू एनी थिंग टू डू विद एथिक्स के मार्क्स, इट हैज़ नॉट। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मतलब अभी सब पढ़ वही सब पढ़ा रहे हैं कि भाई इट इज़ समथिंग विच इज़ जस्ट कंटेंट, इट इज़ समथिंग बस कंटेंट डाल दो, कीवर्ड्स डाल दो, लेकिन देखिए कोई भी इवन अ डिश तब तक अच्छी नहीं लगती है, तब तक अच्छी नहीं बनती है जब तक चीज़ें कहाँ कितनी पढ़नी चाहिए वो सही मात्रा में नहीं आ रही है ना। तो बस कंटेंट डाल दो, कीवर्ड्स डाल दो, उससे कैसे एक आंसर पूरा बन सकता है। मैं अभी मतलब यहाँ पे बताऊंगा नहीं, बट देर इज़ लाइक अ टीचर जो मतलब एथिक्स के बहुत रिस्पेक्टेड टीचर है, एंड आई वॉज जस्ट सीइंग हिज मॉडल आंसर्स ऑफ 2022, एंड ट्रस्ट मी इट मेक्स नो सेंस कि भाई ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है, ये कैसे क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस कर रहा है, ये कौन से वर्ड्स हैं, इनका सिलेबस से क्या रिलेशन है, कुछ नहीं, बस हाई फाई इंग्लिश वर्ड्स आ रहे हैं, कंटेंट भरा हुआ है, दिस इज़ नॉट एथिक्स। तो प्लीज़ ये दो तीन बातें समझ लीजिए, यही मार्केट में इशू है जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि इस पेपर में राइट गाइडेंस मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज यू विल सी पीपल स्कोरिंग 80s, 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 90s, एंड यू विल सी पीपल स्कोरिंग 140s, यू विल सी पीपल स्कोरिंग 60s, एंड यू विल सी पीपल स्कोरिंग 130s। GS में तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है, मतलब एक इंसान जिसका GS 1, 2, 3 में बहुत कम स्कोर है उसका GS 4 में बहुत हाई स्कोर हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। तो अगर वो इंसान कंटेंट रिच है, अगर वो इंसान मेहनती है, तभी तो उसका GS 1, 2, 3 में स्कोर आ रहा है ना, फिर 4 में क्यों नहीं आ रहा है। बट ये जो गैप है कि ये गैप कैसे एड्रेस होगा, ये गैप ना कंटेंट में नहीं है, ये गैप मार्केट में पड़े हुए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, ये कंटेंट और उसकी बात है ही नहीं, दिस इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि मार्क्स स्कोर कैसे किए जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर को अगर आप पेशेंस से ध्यान से सुन लोगे पूरा, तो यू विल अंडरस्टैंड कि वो गैप जो है वो कैसे बिल्ड ब्रिज हो रहा है। और इस सेशन में बिल्कुल हैंड होल्डिंग करूँगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा, बिल्कुल पहली चीज़ से स्टार्ट करेंगे एंड सब कुछ बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं, वैल्यू एडिशन नोट्स क्या होते हैं, कोटेशन के नोट्स क्या होते हैं, केस स्टडीज़ के लिए क्या बनाया जाता है, थ्योरी के लिए क्या बनाया जाता है, कोटेशंस के लिए क्या बनाया जाता है, एवरीथिंग विल बी शोन टू यू, नॉट जस्ट टोल्ड टू यू, राइट। हमारे फिलोसफी में कहते हैं शोइंग बट सेइंग, तो आई बी शोइंग यू, नॉट जस्ट टेलिंग यू थिंग्स। तो वो सारे जो भी रेलेवेंट नोट्स हैं वो सब इसमें प्लग्ड इन है, तो प्लीज़ थोड़ा सा बैठ के पेशेंस से सुन लीजिएगा, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल सेशन, वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल सेशंस एंड आल्सो वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड, एंड अगेन आई एम सॉरी दैट ये टाइम से नहीं आ रहा है, थोड़ा सा डिले होकर आ रहा है, बट वी हैव इनफ अमाउंट ऑफ टाइम अभी भी हमारे पास टू कवर एवरीथिंग वेरी 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 ल्यूसिडली एंड परफेक्टली। ठीक है, करें शुरू, चलिए। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि भाई एथिक्स पढ़ना कहाँ से है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो वही है यार, देखो एथिक्स का एक सिलेबस है ना, उसमें 7 पॉइंट्स हैं, उन 7 पॉइंट्स में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो यही है ना कि आपको इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक क्लियर करने के लिए आपको एक सोर्स लगता है, ठीक है, मार्केट में बहुत सारी ख़राब बुक्स हैं, भरा पड़ा है मार्केट। मैं उस दिन जब लास्ट टाइम एथिक्स की स्ट्रैटेजी की बात कर रहा था, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस ऑल्सो कि हमने इंडिया के सबसे ख़राब सोर्स से स्टार्ट किया था, मैं उसका शायद नाम नहीं ले पाऊँगा यहाँ पर, बट मतलब समझ जाओ आप, लाइक बहुत सारे ख़राब सोर्सेज हैं मार्केट में, तो नहीं जाना है उधर। दो सोर्सेज का नाम बता रहा हूँ थ्योरी के लिए, मतलब जो कंटेंट वाले पार्ट के लिए, इनमें से कोई एक फॉलो करना है, दोनों नहीं फॉलो करने हैं, कोई एक फॉलो करना है। तो इधर यू डू विजन का वैम, वैम मतलब वैल्यू एडेड मटीरियल ऑफ एथिक्स, या फिर यू डू अतुल गर्ग सर की एक बुक है ऑन एथिक्स थ्योरी, एथिक्स पार्ट 1 या एथिक्स थ्योरी पे उनकी एक बुक है, इधर यू डू दिस, ठीक है। मैंने पर्सनली ये पढ़ा है, मैंने ऋषभ ने हमने ये पढ़ा है पूरा, विजन का वैम पढ़ा है, और कुछ लोग ये भी पढ़ते हैं, मैंने ये बुक देखी है, इट इज़ ठीक लिखी है ये बुक भी, बट मतलब मेरा थोड़ा प्रेफरेंस विजन वैम की तरफ है, क्योंकि मैंने उसे पर्सनली पढ़ा है, पढ़ाया भी है, दिस हैज़ बीन माई बेसिक सोर्स मटीरियल। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको अंडरस्टैंड UPSC के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, आई विल बी पोस्टिंग इट टुडे इटसेल्फ, और वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको पढ़ना कैसे है, क्या करना है, वो भी अभी मैं डिस्कस करूँगा। तो ये है आपका सोर्स, ओके। इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं, ये टॉपिक वाइज ही अरेंज्ड है, सबसे पहला पेज पे पहला टॉपिक है, फिर 20 पेज नीचे दूसरा टॉपिक है, फिर 20 पेज नीचे तीसरा टॉपिक है। तो इसमें से आपको अपने बेसिक नोट्स बनाने हैं। बेसिक नोट्स क्या होते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे ये देखो, ये हमारे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, जैसे एटीट्यूड का टॉपिक है, दिस इज टॉपिक नंबर 2, ये विजन के वैम से बनाया हुआ है,
ठीक है। अभी इसमें क्या है कि इसमें सब कुछ है, जो मुझे अगर कभी भी एटीट्यूड पढ़ना है तो मैं ये 5 पेज पढ़ूंगा और मेरा एटीट्यूड इज़ डन, मतलब मेरा एटीट्यूड का चैप्टर इज़ डन। मेरा एटीट्यूड तो क्या ही डन, खैर। तो द पॉइंट इज़ कि देखो, जिसमें जब सब डायग्राम्स है ना, आपके बिलीव कहाँ स्टैंड करते हैं, वैल्यूज़, एटीट्यूड, बिहेवियर, आई डोंट नो ये विजिबल कितना होगा बिकॉज ये बहुत सारा कुछ पेंसिल से बना है, कुछ ऐसे वैसे बना है, राइट। एंड यू कीप ऑन अपडेटिंग इट। तो जब भी आपको कुछ नया दिखे, सपोज करो यू आर रीडिंग अ टॉपर्स कॉपी और उसमें आपको दिखा कि एटीट्यूड को लेके कोई अच्छी लाइन लिखी है, तो यू जस्ट कम एंड ऐड हेयर, राइट। अपने नोट्स कभी भी इस भूल में नहीं बनाने हैं कि कल को मैं रैंक निकाल लूँगा तो मुझे लोगों का भला करना है, ठीक है। पहले खुद का भला करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना एग्जाम निकालिए। तो देखिए इसमें सब कुछ है ना, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, ब्यूरोक्रेटिक, एनवायरमेंटल एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड। तो किसी भी चीज़ पे अगर क्वेश्चन आएगा, यू विल हैव इनफ टू राइट। मॉरल एटीट्यूड क्या होता है, अब जैसे एटीट्यूडनल चेंज पे लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो एटीट्यूडनल चेंज के अंदर हम क्या क्या डाल सकते हैं। नाउ कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स जब बोलते हैं हम कि कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, ह्यूरिस्टिक पर्सुएशन, मैनिपुलेशन में क्या डिफरेंस है, कन्फ्रंटेशन से क्या होता है, पर्सुएसिवनेस, ये अभी मैं एक दिन इसका क्वेश्चन डिस्कस कर ही रहा था आपसे, तो पीपल वर लाइक कि हम ये कंटेंट कहाँ से लाएं, तो ये कंटेंट आप यहाँ से लेके आइए। अब ये आपके नोट्स में जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू पुट देम इन द आंसर, नहीं तो आप सोचते ही रहोगे, नहीं तो आप बहुत जेनेरिक और जनरल पॉइंट्स लिख के आओगे। यहीं से सबसे पहली दिक्कत शुरू हो रही है, बिकॉज एवरीबडी इज़ बिजी सेलिंग देयर टेस्ट सीरीज, नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ टू डेवलप कंटेंट। यार एटीट्यूड का क्वेश्चन आ गया तो मेरे पास कंटेंट होना चाहिए ना सबसे पहले, कीपिंग एवरीथिंग असाइड। तो कंटेंट कहाँ से डेवलप होगा, यहाँ से डेवलप होगा। और दिखाता हूँ इसमें, देखो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखो डायग्राम्स है ना, द 3 कॉम्पोनेंट्स, द ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड जो हम बोलते हैं, वो इसी में आ गया। अब मेरे को उसके लिए कहीं जाने की, कहीं बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो कैसे एटीट्यूड हमारे बिहेवियर को शेप करता है, तो वी हैव अ मॉड मॉडल फॉर दिस, मोटिवेशन, अपॉर्चुनिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे करके हमारे पास एक मॉडल है इसका पूरा। तो ये आपके नोट्स में आ गया है। अब सोचो आपकी ये सेम क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दिख जाए, इसके आसपास का दिख जाए कि कहीं आप ये यूज़ कर सकते हो, तो हो गया ना आपका काम। आगे आपका वैल्यू रीडिंग, वैल्यू एनरिच कंटेंट, करेक्ट, बस यही है, यही पूरा का पूरा पॉइंट है। तो इस तरीके से इसके पूरे के पूरे आपके नोट्स बनेंगे, आप विजन का वैम उठाओगे और उसमें से ये नोट्स अपने डिराइव कर लोगे। नाउ द पॉइंट इज कि लोग बोलेंगे कि आप हमें ये नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, हम करा देंगे, एंड दैट्स नॉट अ बिग डील, बट इट विल बी ऑफ नो यूज़ टू यू। बहुत सारे टॉपर्स हैं, उनके नोट्स पढ़े हैं, हम तो चलो ठीक है सिंपल से लोग हैं, नहीं बहुत सारे टॉपर्स के, अंडर 10 रैंकर्स के नोट्स पढ़े हैं, लेकिन क्या होगा उससे, कुछ भी नहीं होगा। आपको क्या समझ में आएगा अगर ये आपने देख भी लिया, एटीट्यूड इंकल्केशन कहीं लिखा है या फॉरवर्ड कहीं लिखा है, इस लाइन से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना इसके पीछे की। तो जाइए अंडरस्टैंड UPSC के टेलीग्राम चैनल पे, विजन का वैम डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए, उसमें से नोट्स निकालिए, ठीक है, तब आपको अपना कंटेंट खुद रेडी होता हुआ दिखेगा। अभी देखिए जैसे ये एक बहुत सिंपल सा है, पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड आता ही आता है। नाउ लुक एट दिस, ये इसी साल में दिखाऊंगा किस तरीके से वी यूज्ड इट इन वन ऑफ आर आंसर्स इन एक्चुअल एथिक्स का पेपर, ठीक है। गुड गवर्नेंस का पूरा का पूरा मॉडल है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल्स क्या है, पीपल परसेप्शन क्या है, उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो कैसे क्लैश कर रहे होते हैं, उनको कैसे बिल्ड करना है, साथ में सब कुछ लिखा हुआ है। सो अगर आपके सामने ये है, अगर आप इसको बार बार रिवाइज करके आंसर्स में लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कैसे एग्जामिनेशन हॉल में सामने नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। हाउ टू चेंज पॉलिटिकल एटीट्यूड पढ़ते ही हैं, ये क्वेश्चन आया था कि अभी आया था थोड़े टाइम पहले कि यूथ जो है वो पॉलिटिक्स की तरफ नहीं आना चाहता, हाउ विल यू चेंज देयर एटीट्यूड, करेक्ट। तो आपको ऑलरेडी समझ है अपने नोट से कि भाई इसमें मेरे को क्या क्या स्टेक होल्डर्स डालने हैं, मेरे को कौन कौन से मॉडल डालने हैं इसमें, यू ऑलरेडी नो ऑल ऑफ दिस फ्रॉम योर नोट्स, करेक्ट। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो इसमें से आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज अपने खुद के नोट्स निकालने हैं, योर ओन हैंड रिटन नोट्स। अब जब आप विजन का वैम खोलोगे ना, तो उसमें क्या है कि एक जैसे एक टॉपिक दे दिया है ना, सपोज करो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस पहला टॉपिक दे दिया, अब उसके बारे में पूरी थियरी है और फिर उसके बारे में ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर। अब ये ना आंसर अच्छे नहीं है, मतलब UPSC में आप ऐसे आंसर लिखे होगे तो आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बहुत ख़राब आंसर्स लिखे हुए हैं इन्होंने, दीज आर नीदर मॉडल आंसर्स नीदर आइडियल आंसर्स, कुछ नहीं है ये, बट इनमें ना कंटेंट है। तो जब आप एक चैप्टर को पढ़ लो, तो व्हेन यू आर रीडिंग दीज क्वेश्चंस एंड डू गिव देम अ रीड, एंड यू विल सी कि इनमें ना एक दो लाइन्स अच्छी अच्छी हैं, तो वो निकाल के अपने नोट्स में डालते रहो, एंड वंस यू आर डन विद योर नोट्स इसको उठा के डिलीट कर दो, हटाओ साइड, ठीक है। अब आपका बन गया बेसिक नोट्स, तो ये आपके स्टेज वन के नोट्स हैं, ठीक है। अब इसमें आपको करना होता है वैल्यू एडिशन। तो ये वैल्यू ऐड कहाँ से होता है, वैल्यू ऐड होता क्या है, सबसे पहले ये समझो कि भाई मैंने ना बेसिक समझ लिया
कि अगर एक एटीट्यूड का क्वेश्चन आएगा तो एटीट्यूड क्या है, ये कैसे चेंज होता है, ये कैसे फॉर्म होता है, ये सब मैंने कर लिया, लेकिन दिस इज़ नॉट इट, राइट? बहुत लोगों ने वैल्यू, मतलब बहुत लोगों ने ये विजन का वैम पढ़ा होगा, बुक पढ़ी होगी कोई, तो उनको भी पता है चीज़, तो इसमें पहली चीज़ आती है कि इसमें अब मैं कुछ एक्स्ट्रा डालूं, कुछ ऐसा डालूं जो एग्जामिनर को अच्छा लगे देखने में। तो इसमें तीन चार चीज़ें आती हैं, स्पेसिफिकली एथिक्स के पेपर की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ऑब्वियस है, बिल्कुल एग्जाम्पल्स आते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं कोटेशंस, तीसरे नंबर पर आते हैं थिंकर्स, चौथे नंबर पर आते हैं फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। ओके, और भी कुछ कुछ चीज़ें आगे बताता जाऊँगा, बट अभी के लिए ये चार चीज़ समझो। तो ये आपके सबके अपने खुद के बने हुए होने चाहिए, कहाँ से बनाने हैं, क्या बनाने हैं, वो भी बताऊँगा, बट ये आपके खुद के बने हुए होने चाहिए, तभी यू विल बी एबल टू यूज देम इन योर आंसर्स। ओके, टाइम टू शो समथिंग एल्स। ये वाली फाइल देखो, जैसे ये कोटेशंस की फाइल है। ओके, ये फिलोसोफर बेस्ड कोटेशंस लिखे हुए हैं हम लोगों ने, सोक्रेटिस के दो कोट लिख लिए, अरिस्टोटल के तीन लिख लिए, स्पिनोजा के लिख लिए, सार्ट्रे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चाणक्य, है ना। तो अभी देखो ये साथ साथ कीवर्ड हो गए ना, जैनिज्म का पंचव्रत, अनेकांतवाद, या बुद्धिज्म का सम्यक दृष्टि, समाधि, चाणक्य का क्या लिखना है, विवेकानंद साहब का क्या लिखना है, तो एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड हेयर, ट्रस्टीशिप मॉडल, गांधी जी का आ गया, तो ऐसे ऐसे करके स्टेट के बारे में आएगा तो क्या लिखना है, अकाउंटेबिलिटी, वुमेन, अब वुमेन से क्वेश्चन आता ही आता है तो आपको पता होना चाहिए। तो ये अब व्हेन यू आर डन विद दिस कोट्स, तो क्या सिर्फ ये लाइक कोट्स लिख के हो जाएगा? नहीं, यू हैव टू रीड देम अगेन एंड अगेन सो दैट आपको ये याद रहे, यू हैव टू इम्बाइब देम अगेन एंड अगेन, राइट? तो जैसे ये अब ये देख रहे हो आप कि ये सब कोट्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? तो लेट्स लुक एट समथिंग एल्स, मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। हाँ, जैसे ये वाला देखो, नाउ दीज आर वैल्यू एडिशन पॉइंट्स, जैसे वहाँ पे कोट हो गए। अब ये दूसरी चीज़ें हैं, ये है की फ्रेजेस, ठीक है? इसको बोलते हैं की फ्रेजेस। तो ये की फ्रेजेस जब आपके आंसर में दिखती है तो आपका आंसर अट्रैक्टिव लगता है। जैसे हम सोसाइटी में पढ़ते हैं सेंसिटाइजेशन, बट टुडे व्हाट इज हैपनिंग इज सेंसिटाइजेशन ऑफ करप्शन। तो आपने सोसाइटी में सेंसिटाइजेशन पढ़ा, वो आपने यूज़ कहाँ कर लिया? GS4 में। आपने इक्वालिटी और इक्विटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपने यूज क्या कर लिया? इक्वालिटी टू इक्विटी, राइट? ये देखो, रे ऑफ होप, होप मतलब हार्मनी, अपॉर्चुनिटी, पीस एंड इक्वालिटी। तो आप कहीं भी ऐसे एक होप का पिलर बना के, एक दूसरे होप भी है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो वाले होप नहीं, ठीक है, ये शोशांक रिडेम्पशन वाला होप है। तो हार्मनी, अपॉर्चुनिटी, पीस एंड इक्वालिटी, ऐसे करके आपने बना दिया कहीं भी, तो इट गिव्स अ वैल्यू टू योर आंसर। नॉट ओनली सांख्या बट शक्ति, डायस्पोरा नॉट ब्रेन ड्रेन, रैदर ब्रेन गेन, है ना? ये देखो, संख्या नहीं सिर्फ बट शक्ति भी, वो हमारी सिर्फ एक संख्या नहीं है। द डायस्पोरा इज नॉट जस्ट संख्या, इट इज शक्ति, इट इज नॉट जस्ट ब्रेन ड्रेन बट इट इज ब्रेन गेन। तो ऐसे वर्ड्स जब आप यूज कर पाते हैं, ऐसी चीजें जब आप लिख पाते हैं अपने आंसर में, तो आप पता चलता है कि अच्छा ठीक है, इट इज दिस स्कोप इज ऑफ अ वेल रेड पर्सन। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको कंटेंट डेवलप कैसे करना है। तो ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि चलो ठीक है, ये आ रही हैं और चलो ये तो हम प्रोवाइड भी करा देंगे, बट आपको कहाँ से लेनी है ये चीज़ें? तो सबसे बढ़िया होता है टॉपर्स की कॉपीज इन चीज़ों के लिए, टॉपर्स के नोट्स, राइट? कोई भी टॉपर है, जैसे ये ऋषभ भाई का डॉक्यूमेंट है, ये उनके खुद के 135 मार्क्स हैं एथिक्स में इस बार, तो ही इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ऑल इंडिया स्कोर इस पर्टिकुलर ईयर में। तो ये उन्हीं की फाइल है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, कोटेशंस वाली, या जो बहुत सारी फाइल्स मैं आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में दिखाऊंगा वो उन्हीं की हैं। तो ये टॉपर्स की कॉपीज, ये टॉपर्स के नोट्स, यही सब है। तो यहाँ से अगर आप ले लोगे तो देन यू विल नॉट हैव टू पुट ऑन योर हार्डवर्क। बात समझ आई? ठीक है, तो कौन कौन से टॉपर्स हैं लाइक जिनके फाइल्स या फिर वो चीज़ें आप देख सकते हो? वैसे तो किसी के भी देख सकते हो, बट लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज सम गुड, तो आपका मैं लाइक थोड़ा काम आसान करने के लिए बता देता हूँ। तो जैसे अगर आपको फाइल्स देखनी है, मतलब आंसर्स देखने हैं, आंसर से कुछ कंटेंट निकालना है, तो ऐसे विशाखा यादव मैम थे, थोड़े पुराने हैं, सर्च कर लीजिएगा, नए बच्चों को नहीं पता होगा। इनके सब लाइक ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स थे 2019 में, शायद उस साल थोड़ा एथिक्स में मार्क्स मिले भी बढ़ा के थे, और इसकी इनके उस साल हाईएस्ट मार्क्स थे, तो इनकी फाइल आप देख सकते हो। फिर एक दिव्या मिश्रा मैम है, इनसे नेक्स्ट ईयर थे ये, और इनकी फाइल स्पेसिफिकली आप देखोगे एग्जाम्पल्स के लिए, है ना, शी हैज़ यूज सम गुड एग्जाम्पल्स एंड सम फिलोसोफर्स एज वेल। तो इनकी फाइल आप देखोगे इन दो चीज़ों के लिए, क्यों फिलोसोफर्स? बिकॉज इनका फिलोसफी ऑप्शनल ही था, तो इनको नेचुरली आता है कि कहाँ कौन सा फिलोसोफर डालना है, एंड शी हैड दी हाईएस्ट ऑल इंडिया मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर ईयर। तो इनकी फाइल्स आप फिलोसोफर्स एग्जांपल्स निकालोगे। देन श्रुति शर्मा, आप अभी शायद दो साल पहले रैंक वन आई थी इनकी,
तो इनके नोट्स आर गुड एंड इनके आंसर्स आर ऑल्सो गुड. इनके आंसर्स में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, एग्जाम्पल्स. द डाइवर्सिफाइड एग्जाम्पल्स दैट शी हैज़ यूज इज जस्ट एक्सीलेंट. हिस्ट्री से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, सिविल सोसाइटी से, एनजीओ से, वर्ल्ड हिस्ट्री से, बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स यूज़ किए हैं. तो यहाँ से आप डायरेक्टली उठा सकते हो. देन महक जैन वॉज अ रैंकर आई गेस लास्ट 2021 में. तो इनके एथिक्स में शायद बहुत अच्छा स्कोर था, शायद वन ऑफ द हाईएस्ट था, 125 128 ऐसा कुछ स्कोर था. तो इनके कुछ नोट्स बहुत अच्छे हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली इनके दो फाइल्स हैं, एक एग्जाम्पल्स की और एक डायग्राम्स की. इनकी डायग्राम्स की फाइल स्पेसिफिकली मैंने यूज़ करी थी, दैट्स अ गुड फाइल. तो आपको अलग से अपने डायग्राम्स भी थोड़े मतलब ऐसे समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाने हैं, रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा. तो ये डायग्राम्स आप इनके देख सकते हो. ये सारे मतलब जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये मैं आपको दिखा भी दूंगा, बता भी दूंगा कैसे करने हैं, क्या करने हैं. ऑब्वियसली इस लेक्चर में नहीं, एल्स इट विल एंड अप टू बी अ 4 घंटे का लेक्चर, फिर कोई नहीं देखेगा, तो वो मेरे को चाहिए नहीं. फिर जैसे इस बार के दो रैंकर्स हैं, गरिमा लोहिया मैम है जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं इस पर्टिकुलर साल में एथिक्स में, उनकी फाइल में आपको दिखा भी रहा था. तो वहाँ से आप कुछ कंटेंट उठा सकते हो. शी हैज़ नॉट यूज अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स बट शी हैज़ यूज गुड आर्ग्यूमेंट्स, तो वो हम उठा सकते हैं. देन राहुल श्रीवास्तव करके हैं, ऑल इंडिया रैंक 10 है इस बार के. इनके एथिक्स के नोट्स मैं आज देख रहा था, प्रिटी डिसेंट, प्रिटी ओके. तो ये वाले नोट्स आप एक बार रेफर कर सकते हो इफ यू वॉन्ट टू. इनकी फाइल्स भी अच्छी हैं, इज़ अ वेरी लाइक हार्ड वर्किंग पर्सन, देखने से पता चलता है हर चीज़ के अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं. तो ये वो टॉपर्स हैं जिनके नोट्स और जिनकी चीज़ें आप रेफर कर सकते हो फॉर एथिक्स, स्पेसिफिकली एथिक्स की बात कर रहा हूँ. कूल, तो ये चीज़ समझ में आ गई. देन जैसे सपोज करो जब मैं वैल्यू एडिशन की बात कर रहा था, तो देखो जैसे ये कोटेशंस हैं जो इकट्ठी की हुई है अपने आप से, फिर कुछ नया मिलता है तो जस्ट ऐड इन देयर, राइट. तो आपके पास जब अपनी खुद की चीज़ होंगी, देखो हर चीज़ ऐसे लिखी हुई है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड विल इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन स्ट्रॉन्ग बॉडी, है ना. अब यही सिमिलर चीज़ महात्मा गांधी ने बोली थी, तो अब ये चीज़ कैसे हेल्प कर जाती है कि चलो ठीक है अरुणिमा सिन्हा की कोट तो नहीं आएगी क्वेश्चन में, लेकिन महात्मा गांधी की तो आ सकती है ना. और महात्मा गांधी ने एक सिमिलर कोट बोली थी, इनडोमिनेटेबल विल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फिजिकल कैपेसिटी ऐसे करके. तो अब सपोज करो वो आ गई और आपने इससे स्टार्ट कर दिया, इससे स्टार्ट नहीं, चलो इसको एक आर्ग्यूमेंट में डाल दिया कि अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट ऐसे 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 और उन्होंने ये चीज़ बोली थी, तो कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि कितना वेल रेड पर्सन है और कितना वेल इम्प्लीमेंटेबल पर्सन है, कि इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं उन चीज़ों को जो पढ़ी हैं, करेक्ट. तो इस तरीके से ये चीज़ यूज़ करनी अपने को सीखनी है, लेकिन यूज़ करने से पहले आप इकट्ठी कैसे करोगे, मैं उस पर अभी बात कर रहा हूँ, राइट. फिर जैसे निष्काम कर्म है, ये तो चलो ठीक है, बेसिक मतलब स्टफ़ है जो आपको पता ही होना चाहिए. अगेन ग्लोबल एथिक्स का कॉन्सेप्ट, अब ग्लोबल एथिक्स का एक ऐसा डायमेंशन है जो नहीं बताता है कोई भी, है ना. ऐसे केस स्टडीज़ में अभी आपको कुछ डायमेंशन दिखाऊंगा जो मैंने प्रिपेयर कराए थे लास्ट ईयर. तो ये चीज़ें अगर आपकी प्रिपेयर्ड हैं बस, देन यू आर डन, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ओके. एग्रीकल्चर में स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन आ जाए, तो हमारे पास स्पेसिफिकली लिखने के लिए एक चीज़ है, टू मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल, ग्रोअर एबल, ग्रोअर शुड बी एबल टू मेक प्रॉफिट, तभी एग्रीकल्चर सस्टेनेबल होगा, राइट. तो अगर मान लीजिए आपको कहीं ऐसे कॉन्सिक्वेंस वर्सेज डियोंटोलॉजी दिखाना है, तो ये कॉन्सिक्वेंशलिज्म है कि भाई आप ग्रोअर को प्रॉफिट बनवाओ, ये मटेरियलिज्म कह लो, कॉन्सिक्वेंशलिज्म कह लो, लेकिन इस केस में इंपॉर्टेंट है. सपोज करो मटेरियलिज्म वर्सेस स्पिरिचुअलिज्म का क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आता भी अक्सर, आपने मटेरियलिज्म को सिर्फ क्रिटिसाइज कर दिया तो वो बहुत ख़राब हो जाएगा ना. तो आपको क्या करना है, मटेरियलिज्म को अगर सपोर्ट करना है, तो ये वाला पॉइंट आपका बन गया कि अगर आपको एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना है इन द लॉन्ग रन, इन द फ्यूचर, तो आपको जो एग्रीकल्चर करने वाला है, जो फार्मर है, जो ग्रोअर है, उसको प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा. यू हैव टू मेक प्रॉफिट फॉर दैट पर्सन. तो इस केस में मटेरियलिज्म इज़ अ गुड थिंग. देखो अब आया ना आर्ग्यूमेंट निकल के, तो कोट्स एंड एग्जांपल्स से आर्ग्यूमेंट्स कैसे बनाने वो भी मैं सिखाऊंगा. तो आपका काम ये है कि आप अभी इस चीज़ को समझ लो बस, इसमें इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं यहाँ से. जैसे मैं आपको अभी आपको दिखा रहा था ना कि मान लीजिए अरुणिमा सिन्हा का एग्जाम्पल है, ठीक है. तो अब उस एग्जाम्पल से आर्ग्यूमेंट कैसे बनता है कि भाई इवन इफ यू डू नॉट हैव द फिजिकल कैपेसिटी टू डू समथिंग, यू कैन बिल्ड इट ओवर टाइम इफ यू हैव द विल. बट इफ यू डू नॉट हैव द विल, if you do not have the will, you will not be able to build that physical capacity. Example अरुणिमा सिन्हा, तो ऐसे मैंने क्या किया, example से backtrace करके argument बना लिया. समझ में आ रही है बात. ऐसे ये वाला देखो, एक simple line थी, मैंने इससे एक argument form कर लिया कि there are various spaces या फिर there are various fields जहाँ पे materialism is important because it acts as a motivating force and a sustainable force. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, इफ यू वॉन्ट टू मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल, यू हैव टू मेक द ग्रोअर प्रॉफिटेबल. तो आया ना समझ में, कैसे आप एग्जाम्पल से या किसी अच्छी लाइन से आर्ग्यूमेंट निकालते हैं. तो ये निकलेगा तो तब ना जब आपके पास होगा ये सब. इफ़ यू डू नॉट हैव दीज थिंग्स, हाउ विल यू यूज़ देम.
राइट, फिर आप 8-8, 10-10 हज़ार रुपये की टेस्ट सीरीज़ खरीद के तो नहीं होगा ना, कुछ करना तो खुद से पड़ेगा ना, तो वैसे वाली बात है। ठीक है, ये देखो कितनी बड़ी लाइन है, एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट, एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। मान लीजिए कैपिटल पनिशमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए वो आ जाती है कोर्ट, व्हाट डज दिस कोर्ट मीन टू यू, हेट द सिन नॉट द सिनर, और आप यही ये वाला आर्ग्यूमेंट को फोर्स कर देते हो कि भाई आप सेंट का पास्ट होता है ना, एक सेंट एक टाइम पे ऐसा था कि चोर था, बड़ा डाकू था, अंगुलीमाल को देख लो, तो जब सेंट का पास्ट हो सकता है तो सिनर का फ्यूचर क्यों नहीं हो सकता। एंड यू पुट दिस इन योर आंसर एंड यू एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल्स, एंड आप देखो भाई एग्जामिनर क्या फिदा हो रहा है बिल्कुल, कि भाई क्या बात कह गया। बट ये तब होगा जब ये चीज़ आपके पास होंगी, एंड व्हेन यू आर यूजिंग देम अगेन एंड अगेन, व्हेन यू आर रिवाइजिंग देम, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग देम अगेन एंड अगेन, एल्स नहीं होने वाला है ना। ठीक है, ऐसे ये देखो, ये एक और वैल्यू एडिशन का पॉइंट है जो मैं आपको बोल रहा था कि फिलोसोफर्स वाली चीज़ है ना, थियरी कैसे रखनी है कुछ अपने आंसर्स में, अपने क्वेश्चंस में। डिवाइन कमांड थियरी, एकम सत विपरा बहुधा वदंती, ऐसे कुछ श्लोक अगर आपको दिख रहे हैं तो, सूफिज्म से जैसे मैंने स्पेसिफिकली ये चीज़ लिखवाई थी, वहदत अल वजूद। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फिर एग्जाम्पल्स देख लीजिए, लक्ष्मी कृष्ण, संयुक्ता पराशर, तंबोली अय्याज। अब ये इतने एग्जाम्पल्स आपके पास, अगर सपोज करो आपने 20-25 एग्जाम्पल अपने पास इकट्ठे कर लिए हैं, है ना, इन योर नोटबुक और समथिंग लाइक दैट, एंड यू आर रिपीटिंग दैम अगैन एंड अगैन एंड अगैन एंड अगैन एंड अगैन एंड अगैन, पूरे दिन बैठ के रिवाइज कर रहे हो, सोने से पहले रिवाइज कर रहे हो, तो इतना रजिस्टर हो जाता है ब्रेन में कि वो आता है फिर निकल के आंसर में। तो हिस्ट्री एथिक्स में स्कोर सिर्फ एथिकल होने से या एथिकल बातें फेंकने से नहीं होता है, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड, रियली हार्ड। इस पूरे सेशन के लास्ट में कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा चैट्स के, मेरे और ऋषभ की हैं, तो मतलब किसी की दूसरे की प्राइवेसी इन्फ्रिंज नहीं कर रहा हूं मैं, उसकी परमिशन लेके कर रहा हूं, आपको पता चलेगा कि किस कदर का हार्डवर्क करना होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट एड्रेस हो गया। कमिंग बैक, तो मैंने सिंपल कहां से नोट्स बनाने हैं वो वाली बात कर ली आपसे, देन उसमें वैल्यू एडिशन कैसे करना है वो बता दिया मैंने, दोनों चीज़ों के सैंपल आपको दिखा दिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट, विच इज़ आंसर राइटिंग। तो देखो एथिक्स की आंसर राइटिंग ना तीन पिलर्स में डिवाइडेड है। कौन से तीन पिलर रही हैं? सबसे पहले जो कोर एथिक्स के क्वेश्चन आते हैं, है ना, ये 10 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। फिर एक आते हैं कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। और फिर ऑब्वियसली केस स्टडीज, ये आती हैं 6 120 मार्क्स की। ठीक है, तो ऐसे करके ये पूरा डिविजन है। अब इन तीनों को अप्रोच करने के ना अलग अलग तरीके हैं। जैसे जब आप कोर, अब यहाँ पे ऑब्वियसली मैं आपको आंसर राइटिंग नहीं सिखा सकता इस पर्टिकुलर लेक्चर में, लेकिन मैं आपको इससे ये बताऊंगा कि आपके एथिक्स की पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। क्लियर? अभी देखो, जैसे ये एक इस साल का क्वेश्चन देखते हैं एक। ओके, ठीक है, जैसे ये है, विजडम लाइज इन नोइंग व्हाट टू रेकन विद एंड व्हाट टू ओवरलुक, ये वाला द फर्स्ट क्वेश्चन। An officer being engrossed with the periphery, ignoring the core issues before him, is not rare in the bureaucracy. Do you agree that such preoccupation of an administrator leads to diversity of justice, to the cause of effective service delivery and good governance? Critically evaluate. अब देखो, इस क्वेश्चन में ये एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन है। इसमें ना 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहली जो चीज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो है कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगर सबसे ज़्यादा बड़ी गलती दुनिया में एथिक्स का पेपर लिखते हुए या इन जनरल जीएस का पेपर लिखते हुए लोग करते हैं वो है डिमांड ना समझना। और मेरी ना टेस्ट सीरीज से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर मुझे दिक्कत यह है कि टेस्ट सीरीज में ना डिमांड समझना सिखाते नहीं है, वो बस आपको कंटेंट एनरिच कराते रहते हैं, कंटेंट कंटेंट कंटेंट। आई विल बी कमिंग अप विद अ वीडियो सून जिसमें मैं शिविन चौधरी, जो इस बार के 297 रैंक है, उनकी इवैल्यूएटेड फाइल्स आपको दिखाऊंगा मैं, जीएस 2 की और जीएस 4 की, ठीक है, जिसमें उनमें दोनों में सेम मार्क्स मिले हैं, 96 96 ऐसे कुछ मार्क्स मिले हैं। लेकिन कितना बड़ा स्कोप है कि जीएस 2 में जो उनके आंसर्स हैं वहाँ इवेल्यूएटर बता ही नहीं रहा है उनको कि आपने क्या सही लिखा है, और जीएस 4 में बता ही नहीं रहा है कि आप क्या बेटर कर सकते हैं, बस वही नॉर्मल फीडबैक जो चल रहा है वही चल रहा है, जिसकी वजह से ही स्कोर्ड ब्रिलियंटली वेल इन जीएस 2, क्योंकि ही हैड वेरी एनरिच्ड कंटेंट, बहुत मेहनत से कंटेंट बनाया था, बहुत एनरिच था, लेकिन वो सारा कंटेंट जीएस 4 में काम नहीं आ पाया। दो जीएस 4 में भी मेहनत करके कंटेंट बना रखा है लेकिन काम क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि सही से गाइडेंस नहीं मिला कि भाई हाँ किस तरीके से डिमांड एड्रेस करनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, किस तरीके से बात करनी है, क्योंकि इवैल्यूएटर मिस दैट पर्टिकुलर थिंग अप। तो वो अगर हो जाता तो डन थी बात। तो सबसे पहली चीज़ हो गई इस क्वेश्चन में डिमांड क्या है।
ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई कि इस क्वेश्चन को आप सिलेबस के किस पार्ट से लिंक करते हो। नाउ दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिसने मेरा कॉम्पोनेंट ऑफ अ गुड आंसर वाला लेक्चर देखा है उनको पता होगा ये चीज़ कि मैं किस तरीके से बताता हूँ कि हाउ डू यू पिक थिंग्स फ्रॉम द सिलेबस। अब ये चीज़ ना सिलेबस में डायरेक्टली लिखी है, गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी, ये सब चीज़ें सिलेबस में डायरेक्टली लिखी हैं आपके, जस्टिस। तो आप सिलेबस से इसको रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को? आपके बेसिक नोट्स में सर्विस डिलीवरी को लेके, गुड गवर्नेंस को लेके क्या पॉइंट्स थे? बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। वो पॉइंट आपके यहाँ पे डायरेक्टली यूज हो जाएंगे। वो डायग्राम जो आपने गुड गवर्नेंस का डाला था वो डायरेक्टली यहाँ पे यूज हो जाएगा। अब याद करो जो मैंने आपको गुड गवर्नेंस का, देखो यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ। नाउ गो बैक, मेरे को पता नहीं अभी मिलेगा नहीं मिलेगा, बट आई लाइक गो बैक टू दैट पर्टिकुलर डायग्राम विच आई वॉज शोइंग टू यू, जहाँ पे हम बात कर रहे थे गुड गवर्नेंस। ये सी, लुक एट दिस। एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड, एडमिनिस्ट्रेटर का एटीट्यूड कैसा है, पीपल का परसेप्शन कैसा है, ये गुड गवर्नेंस में कैसे क्लैश हो रहे हैं दे रखा है। एंड नाउ इफ यू गो बैक टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू विल रियलाइज इट, यू कैन यूज इट हेयर कि भाई अगर एडमिनिस्ट्रेटर किसी दूसरी चीज़ में प्रीऑक्यूपाइड है, पेरिफेरी पे प्रीऑक्यूपाइड है, तो कोर इश्यूज एड्रेस ही नहीं कर पाएगा, है ना। उससे सर्विस डिलीवरी, गुड गवर्नेंस की बैंड बजेगी, वो सब आ गए। तो देख रहे हो आप कैसे आपके बेसिक नोट से चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, समझ आ गया। पहली चीज़ डिमांड, दूसरी चीज़ सिलेबस का लिंकेज, तीसरी चीज़ वैल्यू एडिशन कि भाई यहाँ पे आप क्या डायग्राम यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या फ्लो चार्ट बना पा रहे हो, ओके। चौथी चीज़ क्या है, क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कि आप आर्ग्यूमेंट में बस वही बार बार घिसी पिटी बात, हाँ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जी, अकाउंटेबल होना चाहिए जी, वही लिख रहे हो यार, यू आर गेटिंग सॉलिड गुड आर्ग्यूमेंट्स एंड दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड थिंग, अंडररेटेड, मोस्ट अंडररेटेड। ये तब तक आप डेवलप नहीं कर पाओगे तब जब तक आप बहुत अच्छे से कंटेंट बना के रिवाइज करके प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ये आप तब तक नहीं डाल पाओगे अपने आंसर्स में। नहीं तो जितना अगर पूरे मेंस का सबसे ब्लेंडी पेपर कोई है तो वो एथिक्स का पेपर है, अच्छे अच्छों की बैंड बच जाती है पेपर कंप्लीट करने में, अच्छे अच्छों की। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑन द स्पॉट बैठ के कुछ सोच के बना लेंगे, कुछ सोच के लिख देंगे, तो भूल जाओ, वो तो नहीं होने वाला है। मतलब एकदम ऐसे होना चाहिए कि भाई ठीक है, दिखा क्वेश्चन, समझ में आया क्या कोर डिमांड है, सिलेबस से रिलेट हुई और अटैक, कंटेंट पे कंटेंट आ रहा है, वैल्यू एडिशन आ रहा है, एग्जांपल्स आ रहे हैं, कोटेशंस आ रही है, भर रहा है पेपर, लेवल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं बेहतरीन एकदम, क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। तो जो वो बेसिक नोट्स बनेंगे, जो वैल्यू एडिशन होगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, उसको आंसर्स में लिख के देखना पड़ेगा, उसको पीवाईपी पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, ठीक है, ओके। तो हाँ, तो ये वाली चीज़ हो गई। देन नेक्स्ट इज द कोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसमें ना लोग सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा है ही इशू इंटरप्रिटेशन का। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि किसी कोटेशन का क्या मीनिंग है, ओके। जैसे क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, स्वामी विवेकानंद साहब की कोट आई थी जो कैसे लिखी हुई थी कि इफ़ यू कैन नॉट हेल्प योर फेलो ब्रदर्स देन फोल्ड योर हैंड्स एंड लेट देम गो, इफ़ यू कैन हेल्प देम देन हेल्प देम, ऐसे करके लिखा हुआ था। इफ़ यू कैन हेल्प देम देन हेल्प देम, इफ़ यू कैन नॉट हेल्प देम देन फोल्ड योर हैंड्स एंड लेट देम गो, डू नॉट क्रिटिसाइज देम, ऐसे करके तीन लाइन लिखी हुई थी। अब लोग ना इसमें पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं, बट वॉट वॉज दिस कोट सिंपली अबाउट, किस कोर चीज़ को एड्रेस कर रहा था ये कोट? दिस कोट वॉज एड्रेसिंग थ्री थिंग्स, एम्पैथी, सिंपैथी, एम्पैथी, बस। आप इंट्रो में बता दो एग्जामिनर को ये चीज़ कि भाई मेरे को समझ में आ गया है। जब आप क्रिटिसिज्म करने की बात कर रहे हो तो आप कह रहे हो एम्पैथेटिक मत हो, जब आप कह रहे हो कि हेल्प नहीं कर सकते हो तो हाथ जोड़ लो तो सिंपैथेटिक होने की बात कर रहे हो, और जब आप कह रहे हो कि मदद कर सकते हो तो कर लो तो आप एम्पैथेटिक होने की बात कर रहे हो। आप एग्जामिनर को पहले पैराग्राफ में ये चीज़ बता दो, फिर देखो आपके आंसर में क्या चमक आती है, क्योंकि पहली लाइन में समझ में आ गया ना कि आपको कोर्ट का मीनिंग समझ में आ गया है। नहीं तो आप बीट अराउंड द बुश करते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला है, एंड अप गेटिंग 80s 90s में मार्क्स, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये राइट इंटरप्रिटेशन ये कहाँ से आता है? दिस कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, दिस कम्स विद अ लॉट ऑफ गाइडेंस। जब आपको कोई समझाएगा कि भाई जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कोट आपको कैसे इंटरप्रेट करनी थी, करेक्ट, फिर सेकेंड पार्ट इसका, ये पहला पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट इसका प्रॉपर एग्जाम्पल्स कि भाई इस चीज़ में प्रॉपर एग्जांपल्स क्या हैं। जैसे सपोज करो माइग्रेंट क्राइसिस है ना, जिस वाले क्वेश्चन है सर माइग्रेंट क्राइसिस वाज ऑन टॉप कोविड वाला, तो उसको अगर आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो तो इट गिव्स एन एक्स्ट्रा एज टू योर आंसर, कि
कि भाई बहुत लोग बिकेम एपेथेटिक टुवर्ड्स द माइग्रेंट क्राइसिस, कि भाई उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अरे तुम अपने घर पे रुक जाओ ना, अरे तुम्हें क्या दिक्कत है, अरे कोविड आ रहा है, बट नोबडी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि वो कितने डरे हुए थे. सो फर्स्ट डोंट बी एपेथेटिक, सेकेंड इफ यू कैन हेल्प देन इट इज़ गुड, इफ़ यू कैन नॉट देन एटलीस्ट बी सिंपथेटिक टुवर्ड्स देम. अगर आप हेल्प कर पा रहे हो, अगर आप सोनू सूद हो या फिर मैं जस्ट सेइंग बहुत सारे लोगों ने हेल्प की थी उस टाइम पे, देन बी एम्पैथेटिक, एल्स कम से कम और कुछ नहीं तो उनको तंग मत करो. सो रिलेटेड टू दैट, रिलेटेड टू अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ मेड कमिंग एंड वर्किंग इन द हाउस होल्ड, राइट? इफ शी कम्स टू विद अ प्रॉब्लम, आर यू बींग एम्पैथेटिक, सिंपथेटिक और एम्पैथेटिक? तो ऐसे जब आप वो अंडरस्टैंडिंग दिखाओगे, जब आप एनवायरनमेंट का एंगल यहाँ पे लेके आ जाओगे, या सपोज करो एनिमल राइट्स का एग्जांपल यहाँ पे लेके आ जाओगे, नाउ दीज विल बिल्ड द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट विल हैव इन योर आंसर, द क्वालिटी कंटेंट, द क्वालिटी आर्ग्यूमेंट्स दैट यू हैव इन योर आंसर. ओके, तो क्या चीज़ हुई यहाँ पे हमारी? पहली चीज़ हो गई राइट इंटरप्रिटेशन विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स. थर्ड जो मैंने बताया, रेलिवेंस इन टूडेज वर्ल्ड. तो अभी जो भी आप मतलब GS2 GS3 के लिए पढ़ते हो ना, करंट अफेयर्स, वो पूरा का पूरा इसमें एथिकल पर्सपेक्टिव से यूज हो जाता है. जैसे मान लो एक इस साल क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड था, मैंने बोला भी था कि क्वेश्चन आएगा वॉर के ऊपर, तो GS4 में क्वेश्चन आ गया जस्ट वॉर थ्योरी. तो वो जस्ट वॉर थ्योरी पे सबसे पहले कैसे काम करेगा? आपको जस्ट वॉर थ्योरी के पॉइंट्स पता होने चाहिए, किसने दी थी पता होने चाहिए, क्या आर्ग्यूमेंट्स थे पता होना चाहिए, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, है ना? जस्ट वॉर कौन सा होता है? इंडिया ने जो बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पार्टिसिपेट किया, दैट वॉज अ जस्ट वॉर. रशिया जो यूक्रेन के साथ कर रहा है, इट इज़ नॉट अ जस्ट वॉर, बिकॉज इट इज़ वायलेटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्ट वॉर. तो आज के वर्ल्ड में उसका क्या रेलेवेंस है, उस कोर्ट का क्या रेलेवेंस है? दिस यू शुड नो अबाउट, एंड दिस शुड बी मल्टी डायमेंशनल. ऐसे नहीं कि एक पर्सपेक्टिव उठा के दे दिया बस, नहीं, मल्टी डायमेंशनल, पर्सनल, सोसाइटल, एथिकल, एनवायरमेंटल, एनिमल राइट्स, सीनियर सिटीजन्स, ट्रांसजेंडर्स, ब्रिंग इन एरियाज विच द एग्जामिनर विल नॉट सी किसी दूसरे की कॉपी में. एल्स तो वो पेस्टल 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 चल ही रहा है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, ये तो चल ही रहा है. कम आउट ऑफ इट, स्टार्ट लुकिंग एट पीपल, स्टार्ट लुकिंग एट वल्नरेबल सेक्शंस, स्टार्ट लुकिंग एट वल्नरेबल सेक्शंस दैट नोबडी इज लुकिंग एट, चाइल्ड लेबर, एडोलेसेंट गर्ल्स हु आर मेड टू लीव स्कूल्स, people living in far flung areas, people who do not have access to technology, start catering to them in your answers and do this consciously. tab pata chalega na ki bhai insaan sirf rattu tota ban ke nahi baitha hai, char pages padh ke nahi baitha hai, tab aayega mazaa answer likhne mein. okay, to aise karke aap is answer ko acha banate ho. ठीक है, समझ में आ गई चीज. देन कम्स, जिसे पता नहीं लोग कितने ज्यादा घबराते हैं, द केस स्टडीज का थिंग. ओके, तो केस स्टडीज में देखो क्या सीन है. देखो केस स्टडीज में ऐसा है ना कि यूपीएससी के पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स है, तो घुमा फिरा के क्या हो रहा है, केस स्टडीज की थीम रिपीट ही हो जाती है. एक साल केस स्टडी आपकी बहुत टफ आ जाएगी, जैसे शायद 2020 की केस स्टडीज बहुत टफ आई थी, 2021 वाज ओके, 2022 की केस स्टडीज वर इजी एंड ऑन द सेम लाइंस, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं था, सिंपल सिंपल सी. लेकिन 2020 में थी शायद, कब थी, बहुत टफ केस स्टडीज आई थी भाई, बहुत ही टफ इन्वेस्टिगेटिव केस स्टडीज की तरह की आई थी. तो लेकिन थीम्स जो हैं वो अल्टीमेटली अब रिपीट हो रही है, क्योंकि यार एक लिमिटेड नंबर ऑफ चीज़ें ही है ना, आप कहाँ तक कर सकते हो, वही करप्शन है, वही ट्रांसपेरेंसी है, वही डायलेमास हैं. तो देखो केस स्टडीज में सबसे पहले क्या होता है, द फर्स्ट थिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस स्टडीज इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ द केस, कि उस केस का जो केस स्टडी की हम बात कर रहे हैं कोर क्या है. Is it about governance? Is it about corruption? Is it about public service delivery? Is it about abuse of power? Is it about an ethical dilemma? Is it about letter in law versus letter in spirit? Actually, mein core kya hai case ka? Second, relate it to your syllabus. सिलेबस के किस हिस्से से निकल के आ रहा है? इज इट अबाउट RTI या इज इट अबाउट एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, और इज इट अबाउट वर्क कल्चर, और इज इट अबाउट कॉरपोरेट गवर्नेंस, और इज इट अबाउट पब्लिक सर्विस वैल्यूज? सिलेबस के किस हिस्से से चीजें यहां पे डील हो रही हैं, मेंशन करो उनको अपने आंसर में.
एज एन इंट्रोडक्शन, एज अ स्टार्टिंग पॉइंट कि हाँ दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दिस केस स्टडी. एग्जामिनर को समझ आए कि आप समझ गए हो केस क्या है. सो मेंशनिंग दीज कीवर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग दीज कीवर्ड्स फ्रॉम द एग्जाम, फ्रॉम योर सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिलेबस याद करो, सिलेबस पढ़ो, सिलेबस पढ़ो. क्या करूँ सिलेबस पढ़ के, ये कौन बताएगा ये करना है सिलेबस पढ़ के. ठीक है, फिर जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि देर इज़ अ 7-pointed star जो आप केस स्टडीज़ में यूज़ करते हो. मैं अपने चैनल पे इसको पोस्ट करूँगा अभी, मैं बहुत टाइम से समझाता आ रहा हूँ लोगों को. तो जैसे इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, फिर आपके एथिकल डायलेमास होते हैं, एथिकल इशूज़ इन्वॉल्व होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं. सॉल्यूशंस में भी अभी चलो ठीक है बात करेंगे, है ना. देन आपके ऐसे कंक्लूजन होता है, देन आपका इसमें वैल्यू एडिशन जो हो सकता है वो होता है. तो ऐसा करके देर इज़ अ फुल फ्लेज्ड वे ऑफ राइटिंग अ केस स्टडी. तो केस स्टडी पे एक अलग से सेशन रख के पूरा मतलब आपको डिटेल में बताऊंगा. लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आपका सेक्शन ए प्रिपेयर्ड नहीं है तो आपका सेक्शन बी कभी अच्छा नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि सेक्शन ए की अंडरस्टैंडिंग एंड सेक्शन ए का कंटेंट दोनों सेक्शन बी में यूज़ होता है. मतलब थियरी वाला जो कंटेंट आप प्रिपेयर करोगे, जो अंडरस्टैंडिंग आप वहाँ से बिल्ड करोगे, वो आपका सेक्शन बी यानी केस स्टडीज़ में यूज़ होगा. तो इसलिए फोकस रखो इसको अच्छा करने पे. एंड देन ये कैसे करना है ये मैं सिखा दूंगा. आई बी डिस्कसिंग स्पेसिफिक केस स्टडीज गोइंग डाउन द लेन एंड स्पेसिफिकली बी टेलिंग यू कि भाई देखो ये केस स्टडी में ये वाली बात थी, इसको ऐसे आइडेंटिफाई करना था. टफ से टफ केस स्टडीज डिस्कस करूंगा आपके साथ 2020-2019 वाली जो एकदम ऐसे इन्वेस्टिगेटिव टाइप की थी, जिनमें बजट एलोकेट करा दिया था कमीशन ने. तो प्रॉपर मतलब ऐसे टफ थिंग्स. ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू कीप सम रेडीमेड थिंग्स, है ना. प्रिपेयर्ड कुछ चीज़ें रखनी पड़ेंगी पहले से. वो क्या है, जैसे कुछ इंट्रोज, कुछ कंक्लूजन्स, कुछ एथिकल इश्यूज, कुछ एथिकल डायलेमास, स्टेक होल्डर प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके. जैसे 5 तरीके मैंने लास्ट ईयर पढ़ाए थे स्टेक होल्डर प्रेजेंट करने के, राइट. एक पाई चार्ट के फॉर्म में कैसे करते हैं स्टेक होल्डर को प्रेजेंट, एक ऐसे एरोज के थ्रू कैसे करते हैं, एक स्टेक होल्डर प्लस एथिकल इशू इन्वॉल्व वाला प्रोसेस क्या होता है, एक ट्री प्रोसेस क्या होता है स्टेक होल्डर बनाने का. तो इससे क्या होगा कि मोनोटनी ब्रेक होगी पेपर की. वही आप आ रहे हो स्टेक होल्डर इन्वॉल्व ये हैं वो, नहीं ज़रूरी नहीं है हर एक में लिखना. कहीं दिख रहा है इंपॉर्टेंट है तो वहाँ अच्छे से बना दो, जहाँ दिख रहा है कि नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्किप कर दो. ओके ठीक है, समझ आ गई बात. बट जब बना रहे हो तो थोड़ा इस तरीके से बनाओ कि वो दिखाए कि हाँ भी कुछ है. फिर एथिकल इश्यूज और एथिकल डायलेमा वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीपल ऑफन टेंड टू स्किप या मिस आइडेंटिफाइंग ऑल द एथिकल इश्यूज एंड ऑल द एथिकल डायलेमास, एंड इंस्टेड दे आइडेंटिफाई सम इशू और डायलेमा दैट डजंट इवन एग्जिस्ट इन द केस स्टडी, क्योंकि उन्होंने वो याद कर रखा है. बट एक्चुअली में दिस क्रिएट्स एन इशू, बिकॉज एग्जामिनर को फिर समझ में आ जाता है कि भाई ये रट क्या है, इसने 4 एथिकल इशू याद कर लिए, 4 लगाए जा रहे हैं यहीं पर. ऐसे नहीं करना है. यू हैव टू बी स्पेसिफिक व्हेन यू आर आइडेंटिफाइंग दीज थिंग्स. ठीक है, दिखाऊं कुछ, चलो एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ. देखो ये हमारे केस स्टडी के नोट्स हैं. अभी देखो जैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो हमने सब लिख के छोड़ रखा है पहले से ही. एक केस स्टडी थी कोई, उसमें क्या क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकते हैं तो पूरा डिटेल में लिख के छोड़ा है. अब इसके बेसिस पे कोई भी केस स्टडी आ जाएगी तो अपने को पता है कि कौन कौन से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम जनरेट करा सकते हैं. आगे देखो जैसे ये तो खैर चलो कीवर्ड्स हो गया, एवरी टार ये सब. ये देखो वीक इन मोरल है ना, अगर कोई मॉरल्स में वीक है तो कैसे पता चलता है ना. आर यू एन अपॉर्चुनिस्ट, आर यू होल्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, राइट, विच ऑल एक्ट्स डू यू यूज, विच ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स डू यू यूज. ये देखो एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिस्ट्री, एग्जाम्पल्स फ्रॉम पुरातनिक टेक्स्ट, राइट, फ्रॉम डाइवर्स फील्ड्स. और देखो ना दिस इज इवन बेटर, मैं ये दिखाता हूँ आपको, इस पे बाद में आते हैं. ये देखो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ केस स्टडी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ केस स्टडी. इस पे बात करते हैं चलो अलग से. तो केस स्टडी में क्या होता है, कहाँ गया एक सेकेंड, हाँ केस स्टडी में क्या होता है कि व्हेन यू आर गिवन अ केस स्टडी तो आपसे बोला जाता है कि भाई ये सिचुएशन है, इसमें से क्या चूज करोगे और क्यों. तो ये जो क्यों वाला फैक्टर है ना सबसे इंपॉर्टेंट है. ये आपको इंटरव्यू के टाइम भी सिखाऊंगा कि क्यों वाला फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. तो आपने ऑप्शन तो चलो एक चूज कर लिया, बट इसको आप जस्टिफाई कैसे कर रहे हो, इसमें आप ये कैसे दिखा रहे हो कि मैंने ये जो ऑप्शन चूज किया है इसके मेरे 5 रीजंस हैं, इसके मेरे 10 रीजंस हैं, और वो 10 रीजन आप कैसे शार्प निकल के आ रहे हैं एकदम थैक थैक थैक. तब एग्जामिनर को मजा आ रहा है कि हाँ भाई जस्टिफिकेशन तो दिया है बंदे ने, कन्विंस कर दिया मुझे कि यही बेस्ट चॉइस है. ये चीज़ देखो हमने कैसे प्रिपेयर करी थी. ये देखो अलग अलग रीजंस हैं, जस्टिफिकेशंस, रूल्स कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, एक्ट कौन से काउंट कर सकते हैं हम, ड्यूटी से क्या हम
डाल सकते हैं, एथोस से क्या डाल सकते हैं, एथिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक पॉइंट बनेगा, वैल्यूज़ कौन से डाल सकते हैं, किस फिलोसोफर ने उस पर्टिकुलर जस्टिफिकेशन को दिया है, एग्जाम्पल्स हम दिखा के क्या डाल सकते हैं कि देखो वो लीडर जब ऐसे सिचुएशन में फंसा था तो उसने भी ये किया था तो हम भी ये कर सकते हैं। देन ओथ, ये पॉइंट कोई नहीं बता रहा होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई मैं उस चीज़ को इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ओथ ली थी टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, तो मैं अपनी ओथ पे नहीं जा सकता वापस, है ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो वचन है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, वर्ड्स मीन समथिंग, गेम ऑफ थ्रोन्स डाला यहाँ पे, अच्छा छोड़ो वो मेरा पर्सनल है, खैर तो एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई लोग बोलते हैं कि कॉन्शियस, लेकिन क्यों आपका कॉन्शियस वो चीज़ की गवाही नहीं दे रहा, दूसरे का दे रहा है ना, चोरी करने की गवाही आपका कॉन्शियस नहीं दे रहा, दूसरे का दे रहा है, अनएथिकल बिजनेस कोचिंग वाले कर पा रहे हैं आप नहीं कर पा रहे हो, क्यों, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग उस तरीके की है, तो आपका कॉन्शियंस इज डिराइव्ड फ्रॉम योर अपब्रिंगिंग, तो वो आपको इसमें ऐसे ऐसे, दिस आर जस्ट सम पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, इसके अलावा देर आर लॉट ऑफ रीजंस, देर आर लॉट ऑफ जस्टिफिकेशंस दैट कैन गो इनटू इट, ठीक है, क्लियर। जैसे और फिर जैसे वही जो एक चीज़ आती है कि कौन से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज यहाँ पे दिखाने हैं, क्या क्या एथिकल डायलेमास, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, तो देखो वो किस तरीके से पूरा प्रिपेयर्ड है, तो ये सब चीज़ें कैसे प्रिपेयर करनी है, केस स्टडीज पे अलग से पूरा पढ़ाऊंगा, देखो ना मतलब अभी क्या लोग क्या बोलते हैं, वही चार पाँच सर डायलेमास हैं वही हम लिख के आ रहे हैं, बट यहीं पर देखो यहीं पर हमने कम से कम 15-20 मेंशन कर रखे हैं, पब्लिक सर पब्लिक वर्सेज पर्सनल वैल्यूज, प्लेटो का करेज, ओबीडियंस वर्सेज जस्टिस, स्लिपरी स्लोप, फेवरेटिज्म वर्सेज राइटियसनेस, वेलबींग वर्सेज ड्यूटी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये इधर भी है देखो 25 कम से कम 2 दर्जन डायलेमास हमने यही लिखे हुए हैं, ये कंटेंट है ना, ये देखो जस्टिफिकेशन, मैं बोलूँ ना सारे के सारे इश्यूज एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपके इश्यूज छूट जाएंगे तो फिर अगेन एग्जामिनर को लगेगा कि आपको पूरा केस ढंग से समझ में नहीं आया है, यू आर नॉट ऑब्जर्वेंट इनफ, ओके। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये एक फाइल है जो मैं ऋषभ की इवेल्युएट कर रहा था जस्ट बिफोर द पेपर, लाइक ऐसे 10 दिन हार्डली, तो जैसे ये देखो इसमें ना इंट्रोडक्शन में वही देखो कैसे हमने स्टार्ट किया, सिविल सर्वेंट शुड फॉलो द 8 फाउंडेशंस ऑफ नॉलन कमिटी, गिवन आउट ऑफ दोज 8 वन वॉज वैल्यू ऑफ एनॉनिमिटी, सिलेबस से रिलेट हो रहा है फाउंडेशन वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज, इंपार्शियलिटी टू बिल्ड ट्रस्ट ऑफ पब्लिक इन द ब्यूरोक्रेसी, है ना, सिलेबस से रिलेट होकर आ रहा है, फिर कुछ पॉइंट्स दिए इसने कि कौन कौन से एथिकल डायलेमास इन्वॉल्व हैं इसमें, ओके। देन यहाँ पे जब ये आया इधर, तो यहाँ पे देखो पूरा इशू क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इसने दिखाया ही नहीं कि डायलेमास के सॉल्यूशन क्या हैं, भाई अगर एक डायलेमा क्रिएट हुआ है तो वो एक्चुअली में सॉल्व होना चाहिए ना। अब जैसे आपने लिख दिया कि कोडिफिकेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, तो ये तो एक स्टेप है, इस स्टेप से डायलेमा सॉल्व नहीं हो रहा, आपको इम्प्लीमेंटेबल स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे, क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म्स एंड चैनल्स टू पुट फॉरवर्ड पर्सनल व्यूज, नॉट मियर ओपिनियंस बट ऑब्जेक्टिव एनालिसिस शुड बी पुट फॉरवर्ड, कि आप ऐसा नहीं कि अपना के कोई भी बस ओपिनियन देते जा रहे हो, आप कुछ भी बोल रहे हो, इट शुड बी बैक्ड विद प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर डेटा, यू शुड सबमिट दैट डेटा फाइल, यू शुड सबमिट दैट रिसर्च फाइल व्हाइल यू आर डूइंग दैट, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप एक, जैसे लोग बोलते हैं ना कि यार मैं तो सर इतने टाइम से 80s में स्कोर कर रहा हूँ, भाई आप 80s में इसलिए स्कोर कर रहे हो क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो कि आप ये दिक्कत कर रहे हो, आप अपने आंसर्स में एक्चुअली में सॉल्यूशंस नहीं दे रहे हो, आप जेनेरिक पॉइंट्स दे रहे हो, जेनेरिक पॉइंट्स पे जेनेरिक मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, क्लियर। ओके, देन ये जैसे देखो ये कैसे सेल्फ इवेल्युएट करते हैं आंसर को, हम कौन कौन से पॉइंट्स इसमें और लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ऑल ऑफ दिस इज अ लाइक मेहनत है भाई, मतलब ऐसे नहीं है ओवरनाइट सक्सेस नहीं है ये चीज़, जिसका कोई गॉडफादर नहीं होता, जिसका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होता, उसको मेहनत करनी पड़ती है, तो ये नहीं सोचना है कि अब मेहनत लग रही है, और ये मेहनत ऐसी नहीं है कि नहीं, जो अगर जो लोग मेंस लिखने वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो घबराना नहीं है, ये सब प्री और मेंस के बीच में ही हुआ है, और उसके बाद 135 स्कोर आ गया है, पता है कितने से, 81 से 135, पता है कितना डिफरेंस है, 54 मार्क्स कैन बी इम्प्रूव्ड इन अ GS पेपर बाय हार्ड वर्क, बाय राइट गाइडेंस एंड राइट इंटेंट एंड विल पावर, 54 मार्क्स इन अ सिंगल GS पेपर कैन बी इम्प्रूव्ड, भाई हमने तो ईगो पे ले ली थी ये चीज़, 81 मार्क्स कैसे आ गए, तो वी वेंट थ्रू एवरीथिंग कि भाई ये ठीक करना है, ये नंबर कैसे आ गए, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, देखो
एक सितंबर की बात है ना, जस्ट दो वीक पहले, तो मैंने तब भी इसको ये चीज़ बोली थी कि अगर सेक्शन ए बिगड़ गया तो 100 नंबर भी क्रॉस नहीं होंगे। आपको भी ये चीज़ समझा रहा हूँ, सेक्शन ए को ठीक करो। लोग केस स्टडीज़ पे इतना ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, वो सेक्शन ए भूल ही जाते हैं। एंड सी ही हैज एक्सेप्टेड दिस थिंग कि हाँ सेक्शन ए पे मैंने काम नहीं किया था। देन आगे मैंने उसको बताया कि सेक्शन ए पे कैसे काम करना है, जो मैं भी आपको समझा रहा था। सी दिस किस तरीके से स्पेसिफिक है ना, कि पॉइंट्स ये पॉइंट क्या है, दीज आर एथिकल आर्ग्यूमेंट्स। ये देखो एथिकल आर्ग्यूमेंट्स जो मैं आपको अभी समझा रहा था, तो ये चीज़ मैं इसको लास्ट ईयर समझा रहा था कि भाई एथिकल आर्ग्यूमेंट्स डालने हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, ताकि एग्जामिनर को दिखे कि आपके कंटेंट का लेवल एनरिच्ड है, आपके एथिकल आर्ग्यूमेंट्स एनरिच्ड हैं। करेक्ट। ये देखो हमने एग्जाम्पल्स की बात करी है। देखो मेहनत की मैं बात बताता हूँ, जस्ट रीड दिस। इसके बाद एक लिखना है अभी, केस स्टडी प्रिपेयर कर रहा हूँ थोड़ी, कोटेशन को कैसे आंसर करना है, इस पर डेली 3 क्वेश्चन लिख के फ्रेम कर रहा हूँ। यहाँ पिछली बार 1-2 ही मिले होंगे एंड टेस्ट में भी कम। सी दिस इज़ व्हाट ही इज़ टेलिंग, कि भाई मैं को पता है कि मैंने कोटेशंस लास्ट ईयर अच्छी नहीं लिखी थी, तो लास्ट ईयर मुझे 10 में से 1 या 2 नंबर ही मिले होंगे, और इस बार इसने बढ़ा के उसको कम से कम 6-7 नंबर ही करके आया। मेरे को पक्का पता है क्यों, क्योंकि इसकी 2 केस स्टडीज़ ढंग से पूरी एड्रेस ही नहीं हो पाई थी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो वहाँ पे अगर और मार्क्स मिल जाते तो इसका 140 क्रॉस हो जाता, तो मतलब फिर क्या ही होना था, 145 में भी। तो इसने कितना अच्छा स्कोर किया होगा, कितना, ये पूरा मेहनत से होता है यार, है ना, पूरा मेहनत से होता है। तो प्लीज़ जो भी लोग इस बार मेंस लिख रहे हैं, कुछ भी है, मेहनत से नहीं घबराना है। यू हैव टू वर्क हार्ड। सी ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा था ना, वो प्लेटफॉर्म चैनल, वो जो मैंने इसको रिव्यू करके दिया था, देन ही वो सेइंग कि हाँ आप समझ में आया कि कोर इशू को कैसे एड्रेस करना है। तो यही दिक्कत होती है, वी टेंड टू फॉरगेट कि कोर इशू को एड्रेस करना है, एंड वैन वी डो नॉट एड्रेस द कोर इशूज़, वैन वी डो नॉट एड्रेस द केसेज, वैन वी डो नॉट लिंक इट टू द सिलेबस, वैन वी डो नॉट गिव प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स टू इट, वी एंड अप गेटिंग वेरी जेनेरिक मार्क्स। तो एक ना पूरा बुके ऑफ फ्लावर बनता है, तो उसमें ना सिर्फ घास नहीं डाल सकते आप कि भैया आप वैलेंटाइन पे जा रहे हो, सारे घास भर दिया, बीच में एक रोज डाल दिया है, ऐसे नहीं होता। इट शुड बी प्रॉपर बुके। तो ये सब चीज़ें हैं उसमें, ये सब चीज़ें आती हैं उसमें। ये जितने भी आपको कॉम्पोनेंट बताए गए हैं इस पूरे डिस्कशन के दौरान, ये सब उसी का पार्ट है, ठीक है। तो ये 6 केस स्टडीज़ आती हैं। हम लोगों ने क्या किया था कि भाई 6 की 6 केस स्टडीज़ में अलग तरीके से इंट्रोज लिख के आएंगे। तो इतने इंट्रोज प्रिपेयर कर लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर करके कि कोई भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, हमारे पास इंट्रो प्रिपेयर्ड है। हमें पता है कि हमें कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, हमारे पास पहले से स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, तो जो सोचने का टाइम था वो कम हो गया। करेक्ट। कौन से आर्ग्यूमेंट्स है, कौन से जस्टिफिकेशन है, सब प्रिपेयर्ड थे। तो इसकी वजह से व्हाट इट डज इज इट हेल्प्स यू डू दीज थिंग्स, इट हेल्प्स यू गेन अ लॉट ऑफ मार्क्स, ठीक है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इन एथिक्स, विच इज़ पी वाई क्यूज़। 2-3 रीज़न से इंपॉर्टेंट है। पहला तो इसकी जो थीम्स होती है ना, वो एज इट इज़ रिपीट होती है, और दूसरा क्वेश्चंस के क्वेश्चंस ही रिपीट हो जाते हैं। मतलब इस साल तो एक क्वेश्चन था, मेरे को एग्जैक्टली भी याद नहीं आएगा, बट इट वॉज एज इट इज़ रिपीटेड, एज इट इज़ मतलब वर्ड बाई वर्ड। तो अब आप मतलब ऐसे पे तो अगर 10 में से 9 नंबर नहीं ला पा रहे हो तो फिर क्या ही कर रहे हो। मतलब ऐसे हो गया है कि प्रीलिम्स का कोई एमसीक्यू था, पहले आया था, दोबारा आ गया, और फिर भी गलत कराओ, इसका मतलब तो क्या ही प्रिपेयर किया है आपने। तो इसलिए PYQs इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे थीम तो रिपीट होती है, कभी कभी क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं, और क्वेश्चंस नहीं तो उन थीम्स पे तो रिपीट होने ही है, क्योंकि एक लिमिटेड नंबर ऑफ चीज़ें हैं। 13 क्वेश्चंस आपको एक साल में पूछने हैं, 10 भी कह लो हर टॉपिक से उठा के पूछोगे, कब तक पूछोगे, 10 साल हो गए पूछते, तो सब कुछ एग्जॉस्ट हो गया है, तो घुमा फिरा के वही सब आना है। बस आपने अगर प्रिपेयर उसको अच्छे से कर रखा है, तो आप उसको टैकल कर जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, आप उसको हैंडल कर जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, और यही चाहिए होता है। Got it? तो इसलिए PYQs करने बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये तभी करना when you are done with your content। ऐसे नहीं कि भाई पहले दिन ही हाँ चलो जी ज्वाइन करते हैं, वो जो दो दो आंसर्स रिव्यू करते हैं वैसे वाले, आजकल बहुत सारे स्टार्टअप खुल गए हैं ना, उनको ज्वाइन करते हैं, पहले दिन से लिख के भेज रहे हैं, और वो भी हाँ 4 नंबर 4.5 नंबर। नहीं, पहले पढ़ लो, कंटेंट रेडी कर लो, लिख लोगे आंसर्स, पहले पढ़ तो लो। ओके, देन द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर पेपर इज स्पीड। ये मतलब पेपर बहुत ही लेंदी होता है भाई, बहुत ही लेंदी होता है। मतलब इस बार तो 2022 का पेपर हमने देखा है, एंड एवरीबडी विल रिलेट टू दिस, वी वर लाइक कि छुटा गया है। तो अच्छे से अच्छे प्रिपेयर्ड लोग। मैं खुद बोल रहा हूँ यार, मैंने लास्ट की 2 केस स्टडीज़ इतनी भगा के लिखी थी, 5 मिनट में 2 केस स्टडीज़ अटैम्प्ट करी थी। तो
इसमें तो होता है भाई। तो इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला तो यही कि आपके पास आपका रेडीमेड प्रिपेयर्ड कंटेंट होना चाहिए। अगर आपके पास आपका कंटेंट प्रिपेयर्ड है पहले से तो आपका टाइम बच जाता है, वहाँ पे आपका आंसर अच्छा आता है वहाँ पे। सेकंड इज़ ये जो कंटेंट है ये बहुत अच्छे से रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट प्रिपेयर कर लिया रिवाइज ही नहीं किया तो लिख के क्या होगा, याद ही नहीं आएगा वो स्पेशल में। तीसरी चीज़ है कि आपके ना स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बने हुए होने चाहिए। स्ट्रक्चर बने हुए होने का मतलब क्या है कि भाई अगर वॉर का क्वेश्चन आ गया तो मैं ये करके आऊँगा, अगर ईआई का क्वेश्चन आ गया तो मैं ये करके आऊँगा, एटीट्यूड का क्वेश्चन आ गया तो मेरा ये स्ट्रक्चर होने वाला है, फाउंडेशनल वैल्यूज पे क्वेश्चन आ गया तो मेरा ये स्ट्रक्चर होने वाला है, आईआर पे केस स्टडी आ गई तो मेरा ये स्ट्रक्चर होने वाला है। तो जब ये स्ट्रक्चर्स पहले से प्रिपेयर होंगे ना तो आप एग्जामिनेशन हॉल में तो क्योंकि स्ट्रक्चर बना नहीं सकते बैठ के, क्योंकि वहाँ तो बैंड बजी पड़ी है, वहाँ तो प्रेशर ही इतना है, वहाँ तो टिक 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 हो रही है घड़ी की। तो अगर आपका स्ट्रक्चर पहले से सेट है, आपका रिवाइज है, प्रैक्टिस है, तो आप फिर उसको फट से इंप्लीमेंट करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सिमिलरली जो आपका वैल्यू एडिशन वाला पॉइंट है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, ये आपकी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, प्रॉपरली रिवाइज, प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ रिविजन्स के साथ। तब आप देखोगे कि एग्जामिनेशन हॉल में यू विल बी एबल टू ब्रीच एंड रीच टू द टॉप 1% ऑफ 1% क्या मतलब 0.1% ऑफ पीपल हु आर राइटिंग मेंस एंड स्कोरिंग हाई। नहीं तो फिर वही है ना यार, मतलब मीडियोकर मार्क्स ही आते हैं, दैट इज ट्रू। मैंने ऋषभ से पूछ रहा था कि लाइक तुझे क्या लगता है कि तेरे ये 81 से जो स्कोर इतना बड़ा है, 135 गया है, वॉट इज द कोर रीजन बिहाइंड इट। तो सबसे पहले तो उसने बोला कि यार पहली चीज़ तो ये थी कि मैं ना लास्ट ईयर अपनी कोर जो डिमांड्स हैं क्वेश्चन की वो मिस कर रहा था, तो इस बार हमने उस पर बहुत प्रैक्टिस की थी, बहुत प्रैक्टिस, मतलब अभी ऐसे सबके सामने तो नहीं बोलना चाहिए, बट डांट डांट के कि तेरे को बताया था कि ये वाला ऐसे एड्रेस होने तो क्यों नहीं कर रहे थे, ऐसे एकदम डांट डांट के बहुत वी प्रैक्टिस अ लॉट की कोर डिमांड मिस ना हो। देन सेकेंड, जो क्वेश्चन था और जो कंटेंट था वो अलाइन नहीं था, जो कंटेंट था वो क्वेश्चन के हिसाब से अलाइंड ही नहीं था पिछले साल, इस साल परफेक्टली अलाइंड था क्योंकि अच्छे से रिवाइज और प्रैक्टिस था। तीसरी चीज़ ये थी कि जो मैं बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन का सिलेबस से इंटरलिंकेज, सिलेबस से लिंक करना, वो नहीं किया था लास्ट ईयर, इस बार वो उस चीज़ पे इम्प्रूव किया। फिर चौथी चीज़ वो बोल रहा था कि मेरे पास ना कंटेंट लास्ट ईयर भी था, लास्ट ईयर भी एग्जांपल फ्लो चार्ट्स वो सब थे, डायग्राम्स थे मेरे पास, बट मैं उनको आंसर में नहीं डाल पा रहा था। तो इस बार हमने उस चीज़ पे बहुत प्रैक्टिस करी थी, हाउ टू यूज़ योर एग्जांपल्स, योर डायग्राम्स इन योर आंसर्स, करेक्ट। जैसे वो मुझे एग्जांपल देके बता रहा था कि जैसे क्वेश्चन 3B था, लेट मी शो यू क्वेश्चन नंबर 3B, जैसे ये वाला था, ठीक है। इफ़ अ कंट्री इज टू बी करप्शन फ्री एंड बिकम अ नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स, आई स्ट्रॉन्गली फील दैट देर आर 3 की सोसाइटल मेंबर्स हु मेक अ डिफरेंस, देयर फादर, मदर एंड टीचर। अब ये रिपीटेड है, ठीक है, दिस इज अ एज इट इज़ वर्ड बाई वर्ड रिपीटेड PYQ, एज इट इज़ वर्ड बाई वर्ड, ओके। तो अब इसमें पहले से ही जब आपने अगर कर लिया है तो आपके पास रेडी है ना एक डायग्राम कि हाँ भाई ये कंट्री है, अगर ये विद दीज थिंग्स होगी तो ये होगा, अगर विदाउट होगी तो ये होगा, इसके होने से ऐसे होगा, उसके होने से वैसे होगा, पूरा डायग्राम आपका पहले से प्रिपेयर्ड है, एंड यू आर राइटिंग दैट इन द आंसर एज इट इज़। तो एज इट इज़ नोट से उठ के आ गया। जैसे ये था जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता भी रहा था कि लाइक हाउ आर थिंग्स चेंजिंग टुडे, तो ये कैसे नोट्स में से यूज़ किया ये बताता हूँ। जज योर सक्सेस बाई वॉट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट, है ना। तो वी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड समथिंग ऑन सक्सेस और उसको एग्जामिनेशन हॉल में हमने क्या किया, बस मॉडिफाई करके यहाँ पे यूज़ कर लिया, है ना। क्या है, जज योर सक्सेस बाई वॉट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट, कि अपनी सक्सेस को इस चीज़ पे जज मत करो कि वहाँ पे आपका प्रोग्रेस क्या है या फिर क्या है, उसको इस बात पे जज करो कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। तो हमने इस तरीके से कुछ कर लिया, स्टार्टिंग पॉइंट प्लस प्रोग्रेस इज इक्वल टू सक्सेस या ग्रोथ, एंड देन ग्रोथ when combined with realization या फिर when combined with happiness leads to success, ऐसे करके on the spot उसको change कर लिया एक flow chart में कि भाई हाँ हमारे पास एक starting point था, उस starting point पे जब हमने progress करी तो growth हुई, उस growth को जब हमने realize किया कि हम किस starting point से चल के आ रहे थे, इसको यहाँ से ऐसे relate कर दूँ कि हम किस starting point से चल के आ रहे थे, उसका realization होना, उस पर खुश होना will be success, will be the best judge of success, ऐसे करके आंसर कर दिया, करेक्ट। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट वो मुझे बोल रहा था कि लाइक वॉट एल्स वॉज इम्पॉर्टेंट, तो वो वही बोल रहा था कि एग्जाम्पल्स का, कोटेशंस का, थिंकर्स का,
डायग्राम्स का मेरे पास अच्छा खासा भरमार था, लाइक हर आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास एग्जाम्पल था, वो मैंने इतने अच्छे से रिवाइज कर रखे थे, दे वर नेचुरली फ्लोइंग इन माय आंसर्स, मुझे उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा था, करेक्ट? तो व्हेन यू डू दिस इट हेल्प्स, दीज थिंग्स हेल्प। तो इस लेक्चर से आपको यही समझना है कि आपका जो पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा ओवरऑल एथिक्स को प्रिपेयर करने का, उसमें आपका माइंडसेट क्या रहना चाहिए। आपका माइंडसेट एक एथिकल इंसान बनना तो जीवन में ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कि कैसे स्कोर आता है, तो स्टेज वन के नोट्स बना लिए हमने वैम पढ़ के या बुक पढ़ के, देन उसमें हमने वैल्यू एडिशन किया बाय टॉपस कॉपीज, बाय टॉपस नोट्स जो मैंने बता दिया आपको सारे कहाँ से क्या 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 लेना है, देन इसमें डायग्राम्स कहाँ से आएंगे, एग्जाम्पल्स कहाँ से आएंगे, ठीक है। इस सब के लिए भी वो है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल्स हैं तो एग्जाम्पल्स के कुछ बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, जो टॉपस के नोट्स हैं वो तो है ही, लेकिन और क्या होता है उस पर्टिकुलर ईयर के जो पद्मश्री मिले होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल सोर्स ऑफ एग्जाम्पल्स, है ना। यहाँ से आपको किसी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट लेडी का एग्जाम्पल मिल जाएगा, यहाँ से आपको एक ओरेंज सेलर का एग्जाम्पल मिल जाएगा जिसने एक इंग्लिश का स्कूल बनाया, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया जस्ट बाई सेलिंग ऑरेंजेस, शायद हरिकेला हजब्बा नाम था उनका, राइट? तो ऐसे कर करके यू विल गेट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स यहाँ से, कल्चर को प्रिजर्व करने वाले लोग, पूरी पूरी जिंदगी दे दी ट्राइबल्स के लिए, ऐसे ऐसे लोगों को जब मिलते हैं, लिटरेचर के लोगों को मिलते हैं पद्मश्री, तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सोर्स ऑफ एग्जाम्पल्स। देन ऑफ कोर्स फ्रॉम सिविल सर्वेंट्स एंड एक्सेट्रा, वो सब तो टॉपर्स के नोट्स में भरे पड़े हैं, यू डोंट इवन हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट नाउ, तो वो आप अपने नोट्स में जब ऐड कर लोगे, देन यू कंबाइन दिस थिंग एंड यू अंडरस्टैंड एंड इट पुट योर इनटू PYQs, यू इंप्लीमेंट इट ऑन द बेसिस कि भाई मैं को अपना कंटेंट तो चलो ठीक है, मेरी PYQ की अंडरस्टैंडिंग बन रही है क्या, एम आई एबल टू डीकोड द क्वेश्चंस, एम आई एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग, एम आई एबल टू अंडरस्टैंड एंड लिंक इट विद द सिलेबस, एंड देन एम आई एबल टू ऑर्गेनाइज माई कंटेंट विद प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स, प्रॉपर हेडिंग्स, प्रॉपर एग्जाम्पल्स एंड प्रॉपर डायग्राम्स इन टू अ परफेक्ट फॉर्मेट। ये है डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ गेटिंग स्कोर्स इन एथिक्स। अब ये बताओ मुझे, एक टीचर जो सिखा रहा हो ये, मैं तो नाम लूंगा तो डिफेमेशन लग जाएगा, लेकिन रद्दी तो पढ़ा रहे हैं भाई साहब, रद्दी कर रहे हैं बिल्कुल। तो ये है प्रोसेस, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना ही है अगर आपको एथिक्स में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्क्स को, सर्टेन अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना है। अब ये ना आपको सुनने में भले ही कितना भी ऐसा लग रहा हो कि यार टफ है, नहीं है, एक बार करने बैठोगे ना, एक हफ्ते 10 दिन में इतना परफेक्शन कर लोगे अगर डेडिकेटेडली बैठ गए, खासकर जो इस बार मेंस दे रहे हैं, एक हफ्ता बैठ के कर जाओगे ना, आपको खुद को दिखेगा कि भाई आ रहे हैं नंबर। हम करते नहीं है, वी जस्ट रिलाय कि कोई करा देगा, कोई नहीं करा देगा, करो खुद से, लगाओ मेहनत, लगाओ जोर। ओके, दिस इज मेरे को अलग अलग जो चीज़ें दिखानी थी आपको, तो मतलब सब कुछ नोट्स में से आ जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बियॉन्ड। हमने केस स्टडीज प्रिपेयर करी थी, हमें पता था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की केस स्टडी आएगी बिकॉज देयर वाज सम फ्रॉड गोइंग ऑन, चलते रहते हैं इंडिया में, तो उसके बेसिस पे हमें पता था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ सकती है, वो आ गई, तो हमारे पास पहले से उसकी कमिटीज प्रिपेयर थी, पहले से उसका डेटा एग्जाम्पल्स प्रिपेयर थे, तो हमने केस स्टडीज में वो सब डाली, राइट? तो दिस वॉज अ बेसिक स्ट्रैटेजी सेशन जहाँ पे मेरे को दिखाना था आपको। अच्छा, एक चीज़ और थी, लाइक विच आई हैड टू शो, एक सेकंड इफ आई फाइंड इट, कि कीवर्ड्स वगैरह कैसे लिखे जाते हैं। अब देखो, जैसे ये वाली चीज़ें हैं, ये देखो स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक एग्जाम्पल है, ये पूरा डायग्राम है जो पहले से बना के रखा हुआ है, है ना। अगर कॉम्पिटेंसी है सिविल सर्विसेज के लिए तो जो 4E का कॉन्सेप्ट होता है, एथोस, एफिशिएंसी, इक्विटी, जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है, तो ये सब ये आपकी अपनी लैंग्वेज में है, ये किसी दूसरे को नहीं समझाना आपको। द 3 E's ऑफ पब्लिक इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, करेक्ट? द 3 C's, कनेक्ट टू पब्लिक, कंडक्ट ऑफ अ पर्सन एंड कमिटमेंट, तो ये शायद वाइस प्रेसिडेंट जी ने दिया था लास्ट वाले, है ना। बोटल नेक का अगर इशू आ रहा है तो क्या आ रहा है कि डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है, तो मिडलमैन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए हैं। अब ये चीज़ें विल ओनली हेल्प व्हेन यू आर डन विद देम एंड यू हैव प्रिपेयर्ड देम एंड यू हैव रेड देम एंड यू हैव रिवाइज देम एंड यू हैव यूज देम। ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं नोलन कमिटी की, ये देखो छोटी छोटी चीज़ें, अब इन पे कितना मतलब देखो, एक बार पहले ब्लू पेन से लिखी गई हैं, फिर हाईलाइट हुई हैं, फिर ब्लैक से मार्क कर रखा है, तो मल्टीपल रीडिंग्स हैं इन सब चीज़ों के, ऐसे नहीं कि बना के भूल गए। सी, ये EI का डायग्राम है जो हम बनाते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, सोशल मैनेजमेंट के 4 कॉम्पोनेंट्स हैं EI के, करेक्ट? कौन से एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, दिस इज हाउ यू डू दीज थिंग्स। ओके,
ये देखो ये ईआई का डेनियल गोलमैन, एक क्वेश्चन आने आते ही आता है ईआई से, तो डेनियल गोलमैन का आपको क्या उसमें पर्टिकुलर डायग्राम बना के आना है, जो थ्री सीज़ की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे उसका डायग्राम, थ्री आईज, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, इनकरप्टेबिलिटी, तो थ्री सीज, थ्री ईज, थ्री आईज, यू मैंशन दैम इन योर आंसर्स, यू मैंशन दैम इन सर्टेन वेज, इफ़ नॉट डायरेक्टली दैन इनडायरेक्टली, दीज थिंग्स हेल्प इन स्कोरिंग, यही चीज़ है जो वैल्यू एडिशन है और यही चीज़ है जो मेहनत मांगती है, नहीं तो ठीक है 50 चीज़ें हैं। एक चीज़ मेरे को आपको और दिखानी थी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ देखो ये देखो, दिस इज अ सेट ऑफ 50 की वर्ड्स है ना, तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, सिर्फ 50 वर्ड्स इकट्ठे कर रखे हैं, तो इनको जब आप बार बार पढ़ते रहते हो ना, जब लोग बोलते हैं कि आपको ना आंसर एथिकल नहीं लग रहा, जी एस जैसा लग रहा है, क्योंकि उसमें अच्छे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, तो इसको भी हमने टैकल किया था, हमने स्पेसिफिकली कुछ वर्ड्स निकाल के रख लिए अपने नोट्स में से, अपनी चीज़ों में से, एंड वी केप्ट ऑन रिवाइजिंग 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 रिवाइजिंग। लाइफ, लव, इंटरडिपेंडेंस, सोशल जस्टिस, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअलिटी, साइंटिफिक टेम्पर, तो जब आप इन चीज़ों को बार बार देख रहे हो, राइट, इन वैल्यूज को, लुक एट देम, ऑनेस्टी, कंपैशन, इंटीग्रिटी, प्रॉबिटी, आरटीआई, फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी, सिविल सर्विसेज, एथोस, फोर्टिट्यूड, एथिक्स, एफिशिएंसी, तो ये आपको फिर समझ आता है, आपके लिंगुआ फ्रैंका में आ जाता है, आपके लोकैल में आ जाता है, ये आप जिस तरीके से लिख रहे हो आंसर्स उसमें आ जाता है ये, तो ये प्रैक्टिस लगती है, ये डेडिकेशन लगता है आपको वो अपना स्कोर रेज करने में, या तो आप नेचुरल हो भाई, प्रो हो, फिर तो कोई बात ही नहीं है, बैठ रहे हो एग्ज़ाम फोड़ के आ रहे हो, अब तो बात ही अलग है, लेकिन अगर आपको वो हार्डवर्क से ही मिलता है, तो फिर आपको वो हार्डवर्क दिखाना पड़ता है, वो कमिटमेंट दिखानी पड़ती है पेपर के प्रति। पीपल हू जस्ट थिंक कि जाके बैठेंगे स्कोर करके आ जाएंगे, दिस इज़ नॉट एक्चुअली, दिस इज़ नॉट हाउ इट हैपेंस, ऐसे नहीं आता है स्कोर। ठीक है, समझ आ गया किस तरीके से पूरा लेके चलना है, यू हैव टू रीड योर मटेरियल, यू हैव टू टेक आउट नोट्स फ्रॉम इट, देन यू हैव टू वैल्यू ऐड देम, देन यू हैव टू अप्लाई देम इन द क्वेश्चंस बाय अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बाय बिल्डिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, बाय बिल्डिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, बाय लिंकिंग इट टू सिलेबस, तो ये सब चीज़ों में मैं कैसे हेल्प करूँगा, आई विल बी कमिंग अप विद एथिक्स के सेशंस ऑब्वियसली, जहाँ पे मैं आपको PYQs बताऊँगा कि कैसे लिखना है, किसका कैसे आंसर करना है, तो ये SFG 24 में तो होगा ही होगा, है ना, जो लोग वहाँ पे जब हम आंसर्स आपको लिखवाएंगे, तो उसके बाद हम आपको बताएंगे भी कि आपको किस तरीके से वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस एड्रेस करने हैं, किसका क्या डिमांड था, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन मैं अलग से आपको केस स्टडीज़ के सेशंस लूँगा, जहाँ पे अगेन मैं आपको बताऊँगा, फिर मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे डायग्राम्स का सेशन लूँगा कि एथिक्स में डायग्राम्स कैसे डालते हैं, फ्लो चार्ट्स कैसे डालते हैं, कौन से डालते हैं, वो सब मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा, आई विल टेक यू थ्रू द प्रोसेस, तो दे विल बी लाइक अ कंप्लीट सीरीज ओवर एथिक्स। एक वीडियो में अभी लाइक ये पता नहीं कितनी लंबी चली गई होगी, एड्रेस करना सब कुछ पॉसिबल भी नहीं था, आई ट्राई टू कवर एज मैनी फैसेट्स दैट एज आई कुड, और ये एक साल, दो साल, तीन साल की चीज़ नहीं है, पता नहीं कब, मतलब हम जब साथ में बैठ के पढ़ा करते थे, तब वी यूज़ टू स्टडी विजन का वैम, तब वहाँ से नोट्स निकाले थे, और फिर धीरे 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 समझा क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्या ठोकरे खा खा के, गलतियाँ करके, कम स्कोर करके, बेकार बुक्स पढ़ के, रद्दी मटेरियल पढ़ के, बेकार गाइडेंस लेके, तब जाके स्टोरी डेवलप इन टू गेटिंग वन ऑफ द हाइएस्ट स्कोर्स इन द कंट्री, एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम फॉर दिस। तो ऐसे करके आप सुनिए, प्लीज़ समझिए, एंड हो सके तो अगर आपको ठीक लग रही है ये बातें, तो प्लीज़ शेयर करिए बाकी लोगों के साथ, क्योंकि इफ वी जस्ट हैव इट टू आवरसेल्फ्स, देन हाउ आर वी ब्रेकिंग द चेन, ब्रेकिंग द स्टूपिड लूप ऑफ दोज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हु आर एक्टिंग एज नथिंग बट डिक्रीजिंग मार्क्स। में दिखाऊंगा वो शिविन वाली वीडियो में कि कितना बड़ा नुकसान है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होने का इस देश में, कितना बड़ा नुकसान है, मतलब पैसे डालने के बाद भी आपको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, शो लाइक वेट फॉर दैट वीडियो, that video will again create a massive 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 ripple in the ocean of this entire propaganda. खैर, तो अभी के लिए आई होप दिस वॉज हेल्पफुल, इसके रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो मुझे पोस्ट करने हैं, बीट सम पर्पस कॉपी, सम नोट्स एटसेट्रा, दैट विल दे विल बी पोस्टेड ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ अंडरस्टैंड UPSC विच इज़ इन द पिंड कॉमेंट एंड इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ से जाइए, गो टू दैट पर्टिकुलर सेशन, अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, टेल देम टू वॉच इट टिल द एंड, सो दैट दे अंडरस्टैंड कि एथिक्स में स्कोर कैसे करना होता है, शेयर इट विद योर एथिक्स का टीचर, जो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं एथिक्स के नाम पे, उनको बताइए कि भाई थोड़ा सा ओरिएंट कर लो अपने आप को, नहीं तो नहीं चलने वाला है। ओके, तो आई होप कि आपका कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक एंग्जाइटी थोड़ी कम हुई होगी इसको सुनने के बाद, समझने के बाद, एंड आई विल बी कमिंग अप विद मोर सेशंस ऑफ कोर्स, थोड़ा और रेगुलरली सेशंस आएंगे, थोड़ा वही मेंस को मैनेज करने में, एसएफजी को मैनेज करने में थोड़ा टाइम जा रहा है, बट आई विल ट्राई एंड बी मोर रेगुलर, एंड ट्राई एंड बी एड्रेसिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज एंड अ लॉट ऑफ इशूज़, और बहुत अच्छे अच्छे सीरीज आने वाले हैं ऑफ कोर्स, दैट गोज विदाउट सेइंग,
क्योंकि मेंस में तो भाई कचरा ही है मार्केट में, मेंस तो कोई भी ढंग से नहीं पढ़ा रहा है, तो पढ़ाते हैं फिर करते हैं राइट। सो फॉर द टाइम बीइंग दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ। इफ यू हैव लाइक दिस लेक्चर देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, पुट अ कमेंट टेलिंग अस व्हाट वाज योर फेवरेट थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम दिस लेक्चर, टेल अस इफ यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एथिक्स एंड हाउ टू स्कोर, प्लीज़ बताइए कॉमेंट्स में, ताकि मैं कॉमेंट्स और ऋषभ को दिखा के उसको जला सकूँ कि देख मैंने तेरे नोट्स यूज़ करके अपने लिए तारीफ बटोर ली है ना। तो सर करिए चीज़ प्लीज़, एंड विल मीट सून, विल मीट अगैन। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।